नहीं कर पाते हैं। तो मैं कलीसिया व संघ का सचिव ग्रीस दया सागर लकड़ा होकर के आप जितने भी माता पिता भाई बहन इस ऑनलाइन कार्यक्रम में जुड़े हैं, आप सब उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ कि आप लोगों ने इतना अच्छा समय दिया है, इतने अच्छे समय को दिया है कि आप हमारे साथ आप संगति बनाने पाते हैं। मैं आप हरेक का धन्यवाद देता हूँ और पिता परमेश्वर की महिमा स्थिति हम लोग करें। आइए उसके वचनों में जाएं। आज हमारे साथ दो वक्ता हैं जो हमारे साथ पहले भी हमारे कलीसिया में सेवकाएं दे चुके हैं, जो हमारे पहले वक्ता है, मैं उनकी संक्षिप्त परिचय करा दूंगा, और डॉक्टर जस्टिन मसी, और दूसरे वक्ता है हमारे एनडीटीसी मालार के शिक्षक रेवरेंड अमर नवीन टोपो, जो आज हमारे शिक्षक होंगे। तो मैं क्लास में जाऊं उससे पहले आइए पिता परमेश्वर की महिमा करें, उपासना करें, और हम लोग उपासना में जाएंगे और उसमें हमारे अगुवाई करेंगे हमारे दक्षिणी डिनरी के क्षेत्र सचिव भाई अनमोल किंडो। तो अनमोल किंडो स्क्रीन पर आएंगे और हमें उपासना की ओर ले चलेंगे, उसके बाद हम लोग आगे के कार्यक्रम में चलेंगे। धन्यवाद। विल्सन सर मदद कर देंगे। आप बोलिए सर, आवाज आएगा आपका अनमोल सर। अनमोल सर हम आपको देख पा रहे हैं, आवाज आएगा आपका अनमोल सर। हेलो, आ रहा है सर, आप आवाज आ रहा है। आइए हम, हाँ सर, आइए आज के डैश शिवा संघ की अगुवाई में जो बाइबल क्लास, ऑनलाइन बाइबल क्लास चल रहा है, उसका दूसरे दिन का उपासना को शुरू करते हुए हम गीत गाएंगे साक्षी वाणी में से, हर अवसर के गीत हर भजन में से साक्षी वाणी गीत नंबर 347। साक्षी वाणी गीत नंबर 347।
प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आरा, मेरे यीशु के संग धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के संग धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरे जीवन में हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरे जीवन में हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु मेरे जीवन का साथी, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु मेरे जीवन का साथी, मेरे जरूरत को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको, मेरे जरूरत को पूरी करता है वो, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। जैसा बनता है अपने अपनी जगह में खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। स्तुति होवे पिता को, पुत्र और पवित्र आत्मा को, जैसा जैसा रहेगा शाना
निरंतर विश्वास दर्पण को मानकर एक साथियों कहेंगे, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर जो स्वर्गापति का शक्तिमान जीवन है और लौटे पुत्र अपने पुरुष पर जो पवित्रात्मा से घर माया कुमारी मरियम विचार करने को भी आएगा। मैं विश्वास करता हूँ आत्मा पर एक ही पात्र की शिक्षा पात्रों की संगत पर पापों की क्षमा एक जीवन में आनंद जीवन। अभी अगुवाई के लिए वचन सुनेंगे। वह हमें मिलता है पद संख्या 1 से लेकर 6 पद तक, भजन संहिता 1 से लेकर 6 पद तक, पेज नंबर 668 में मिलता है। इसमें परमेश्वर का जीत वचन ऐसा लिखा हुआ है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे शुद्ध जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, भर के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोते और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाया है, तूने मेरे सिर पर तेल माला है। मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। यहाँ तक आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित अनुग्रहकारी ईश्वर दयालु पिता, हम सारे मन से तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, यह सुंदर समय के लिए कि प्रभु जी आपने इस लॉकडाउन के जीवन में प्रभु जी हम सबों को प्रभु जी दैश शिवा संघ की अगुवाई में प्रभु जी हम यह बाइबल क्लास को करने पाते हैं प्रभु जी, और आपकी इच्छा हुई कि प्रभु जी हम एक साथ प्रभु जी इस जूम ऐप और यूट्यूब के माध्यम से प्रभु जी जुड़ पाते हैं प्रभु जी, और आपका स्तुति महिमा धन्यवाद करना चाहते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिस प्रकार प्रभु जी कल के जीवन में हम सबों के संग साथ रहा प्रभु जी, उसी प्रकार आज भी हमारे बीच में दो वक्ता प्रभु जी मौजूद है प्रभु जी, वे प्रभु के वचन को हम सबों के बीच में बांटना चाहते हैं प्रभु जी। अपने आप उपस्थिति हम सबों के बीच में रखिए प्रभु जी, और प्रभु जी उन वक्ताओं के संग साथ रहिए प्रभु जी, और आप ही उनके मुंह में होकर बोलिए प्रभु जी, और प्रभु जी सुनने वाले का आत्मिक कान को खोल दे कि प्रभु जी सभी कोई तेरे वचन को सुनकर प्रभु जी आत्मिक जीवन पाने पाए और प्रभु जी आशीषित होने पाए प्रभु जी। जितने कोई प्रभु जी जूम ऐप और प्रभु जी यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं सुन रहे हैं प्रभु जी, वे सभी आशीषित होने पाए प्रभु जी, उनके परिवार उनके घर आशीषित होने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस 2 घंटा के समयों को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, अपना उपस्थिति हम सबों के बीच में प्रभु जी दे कि प्रभु जी हम सभी को प्रभु जी बिना रुकावट के प्रभु जी तेरे वचन को सुनने सीखने और समझने पाए प्रभु जी। हम तेरे वचन को तू अपने वचन में कहता है प्रभु जो प्रभु जी आपके छाया छत्र में रहकर अपना उपस्थिति को प्रभु जी मौजूद करने पाए प्रभु जी। सारा नियंत्रण आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, बाकी के समयों का आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। जितने सुन रहे हैं प्रभु जी उन सबों को तू आशीष देना प्रभु जी, और प्रभु जी अपना उपस्थिति हम सबों के बीच में बनाए रखना। सारा आदर प्रशंसा आपको देते हुए या प्रार्थना यीशु मसीह की मांगते हैं, जैसे सुन और स्वर्ग के राज में अनुग्रह से ग्रहण कर दे। आमीन। हे हमारे पिता तुझे स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरे स्वर्ग में शिविर पूरी हो, हमारे प्रतिनिधियों की आज हमको दे और हमारे पापों को क्षमा कर, जैसे हम अपने पापों को क्षमा करते हैं और हम परीक्षा में डाल पाए तेरे से बचा, क्योंकि राजा प्रक्रम और हमारा तेरे है। आमीन। और हमारे प्रभु शिष्ट के द्वारा ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ। आमीन। ईश्वर सहाय आप सबों को, ईश्वर सहाय। गुड मॉर्निंग। सुंदर स्वागत के लिए भाई, सुंदर उपासना के लिए भाई अनमोल किंडो को पूरे कलेशिया युवा संघ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे आज के इस कार्यक्रम उपासना के माध्यम से आरंभ किया है भाई अनमोल किंडो, मैं आपको पुनः एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। और अभी समय रहेगा, अभी समय हो चला है, रांची हेडक्वार्टर
पेरिस की ओर से एक आदर्श भजन प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद में हम अपने दोनों अतिथियों का स्वागत करेंगे। तो इस समय होगा हमारे कांच हेड क्वार्टर पेरिस के भाई बहन, आप तैयार हैं तो अपनी प्रस्तुति को जल्द से जल्द देंगे, ताकि हम लोग इसके बाद तुरंत अपने दोनों मेहमानों का स्वागत करेंगे। और जितने भी भाई बहन अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, मैं उनको बता दूं कि आप जूम ऐप्स में जुड़ सकते हैं। जितने भी भाई बहन अगर आप YouTube लाइव में अगर आप जुड़े हुए हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप भी जूम ऐप्स में आकर के आप जुड़ सकते हैं, और यहाँ से आप लाइव प्रसारण का आनंद आप यहाँ से ले सकते हैं, बता सकते हैं। तो अभी समय होगा रांची हेडक्वार्टर पे रिज़ सबको इश्यू सा है, आप सबों को रांची हेडक्वार्टर पेरिस की ओर से आप सबों को एक बार फिर से प्रभु में आप सबका इशू सहाय करना चाहूंगा। एक दो तीन इशू सहाय, और हम लोग एक गीत गाना चाहेंगे, और जो गीत का बोल कुछ इस प्रकार है, जे भी करा सुंदर करा, जे भी बना बेस बना, इशू मसीह में सभी मन आदर्श बना। जैसा कि कल हमारे श्रद्धेय बिशप स्वामी कल तो अपने वचनों में जो हमें बता रहे थे, उन्हीं बातों को इस गीत के माध्यम से हम बताना चाहेंगे। बहुत फिर से जितने लोग सुन रहे हैं, आप लोग भी हो सकते इस गाने को जानते होंगे और या फिर सीख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस गीत को हम लोग गाएंगे, जे भी करा सुंदर करा। जे भी करा सुंदर करा, जे भी बना बेस बना, जे भी करा सुंदर करा, जे भी बना बेस बना, यीशु मसीह में सोबे मन आदर्श बना, यीशु मसीह में सोबे मन आदर्श बना। आयु बाबा के सेवा करके यीशु मसीह में आदर्श बना, आयो बाबा के सेवा करके, आयो बाबा के सेवा करके, यीशु मसीह में आदर्श बना, यीशु मसीह में आदर्श बना, जे भी करा सुंदर करा, जे भी बना बेस बना, यीशु मसीह में सोबे मन आदर्श बना, यीशु मसीह में सोबे मन आदर्श बना। अपन अपन चाल बोली वचन के वचन के अनुसार सुधरा ले, अपने अपने बोली और चाल चलन के, अपने अपने बोली और चाल चलन के, वचन के अनुसार सुधरा ले, वचन के अनुसार बनाए ले, जे भी करा सुंदर करा, जे भी बना बेस बना, यीशु मसीह में सोबे मन आदर्श बना, यीशु मसीह में सोबे मन आदर्श बना। प्रेम विश्वास पवित्रता में
विश्वासी मन ले आदर्श बन। प्रेम विश्वास पवित्रता में, प्रेम विश्वास पवित्रता में, विश्वासी मन ले आदर्श बना, विश्वासी मन ले आदर्श बना। जेबी करा सुंदर करा, जेबी बना बेस बना, यीशु मसीह में सुबह पर आदर्श बना, यीशु मसीह में सुबह मन आदर्श बना। जेबी करा सुंदर करा, जेबी बना बेस्ट बना, यीशु मसीह में सुबह मन आदर्श 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 बना। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी सुभाष संघ का, ऐसा पता के भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद अपने सुंदर प्रस्तुति के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित पेरिस के पुनः भाई बहनों को कलिशा युवा संघ की ओर से पुनः धन्यवाद कि आप लोग ने अपना सुंदर प्रस्तुति को प्रस्तुत किया है, पुनः एक बार धन्यवाद। अब समय हो चलेगा कि हमारे दोनों अतिथि एक होस्ट महोदय से एक अनुरोध रहेगा कि आप एक बार दोनों को हमारे सामने लाएंगे, और मैं हमारे पूरे श्रोताओं को, मैं अपने पूरे दर्शकों को मैं बतलाना चाहूंगा कि आज के तो हमारे जो वक्ता हैं इन्होंने एक साथ मंच को साझा किया है। वर्ष 2018 में जब डायसिस युवा संघ वार्षिक सम्मेलन जब हम लोगों ने किया था तो इन दोनों ने एक साथ मंच को साझा किया और वहां से परमेश्वर के वचनों को, वचनों से हम सबों को अभूषित किया हुआ है। तो आज पुनः एक बार और इस ऑनलाइन कार्यक्रम से के माध्यम से उन्हें एक मौका मिला, प्लेटफॉर्म मिला है कि वे हम सबों को प्रभु के वचनों के साथ हम लोगों को जोड़े। तो मैं चाहूंगा इस समय हमारे हर शेर पेरिस के भाई बहनों से कि हमारे आज के जो दोनों अतिथि हैं डॉक्टर जस्टिन मसी और रेवरेंड अमर रमेटपो, आज आप दोनों को हम लोग दूर से ही आपका स्वागत करना चाहते हैं, आप इसको स्वीकार करिएगा और हमसे जुड़ने के लिए आप सबों को, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। हर शेर पेरिस के भाई बहन स्वागत में हमारी अगुवाई करेंगे, धन्यवाद। हेलो, पूरे डायसिस होकर के हम अपने अगुवाई देकर आप सब, आप दोनों वक्ताओं का हम स्वागत करना चाहते हैं। आइए हम लोग इनके स्वागत में स्क्रीन में फूल आ रहा होगा दोनों हमारे वक्तागणों को, हमारे दोनों सर लोगों को हम वो फूल को स्वीकार करना रहेगा और हम लोग उनके स्वागत में एक छोटा गीत गाएंगे। बरे चर बरे चर बरे चर बरे चर बरे चर बरे चर धर्म गैया तुअर बरे चर धर्म गैया तुअर बरे चर दोष मरा भैया तुस मर बहे धर्म गैया तुअर बरे भरे चर भरे चर भरे चार भरे चर भरे चर भरे चार धर्म गैया तुअर भरे चार धर्म गैया तुअर भरे चार के चंदी भरे चरना मैं पानो इलाहाबादी बरे चरना मैं पालू टिकाना गज डोले हमें गोर सुना चंदो बीड़ी बिल्कुल का वचन थे गो
नगर दौले न मैं मजी वचन तेरे गोर सुना तो पीढ़ी बिन को लिखा वचन तेरे गो बरे चर बरे चर बरे चर धर्म गही अगुवर बरे धर्म गही अगुवर बरे हर शेर पेरिस के भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप लोगों ने हमारे दोनों अतिथियों का स्वागत किया है। मैं हमारे सर डॉक्टर जस्टिन मसीह को थोड़ा सा ये जो कुरुक में गाना था उसका मैं थोड़ा सा आपका परिचय कराना चाहूंगा। बरे चर मतलब आ गए हैं धर्म गही अगुवर मतलब हमारे धर्म के अगुवे हमारे बीच में आ गए हैं और परमेश्वर के वचनों को हमारे बीच में बांटेंगे, ऐसा इनका था। बहुत सुंदर इस स्वागत के लिए मैं पूरे कलेशिया युवा संघ की ओर से हर शेर पेरिस के भाई बहनों को धन्यवाद देना चाहूंगा। और अब समय को व्यर्थ ना गंवाते हुए हम लोग सीधे क्लास की ओर चलेंगे और आज का जो पहला क्लास होगा हमारे बीच में हमारा आज के जो पहले वक्ता है डॉक्टर जस्टिन मसीह, जो ये हमारे इस कलेशिया में ये परिचय के मोहताज नहीं है क्योंकि हम लोग इनसे पहले ही रूबरू हो चुके हैं, फिर भी मैं इनका छोट में परिचय करा देना चाहूंगा। इनका विषय है आज जीवन के लिए बहुमूल्य अवसर, लुका 13:9, और ये हम बिलोंग करते हैं एवी क्रिश्चियन कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर हैं और अभी इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपनी सेवकाई देने के लिए। तो मैं चाहूंगा कि सर आप आए हमारे बीच में और जीवन के लिए बहुमूल्य अवसर इस पर हमें प्रकाश डालते हुए हमें मार्गदर्शन दें और यह समय सर आपका है। धन्यवाद, हमारे बीच में आपका स्वागत है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आवाज नहीं आ पा रही सर। हाँ दिक्कत नहीं चाहिए। हेलो विल्सन सर, देखिए कंट्रोल करिए विल्सन सर। कुछ तकनीकी का खराबी के कारण रुकावट के लिए खेद है, आप
धैर्य बनाए रखें, हमारे बीच में जल्द से जल्द डॉक्टर जस्टिन मसीह जुड़ेंगे। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल आ रही सर। बहुत अच्छी बात है। हम लोग आगे अपने सत्र में आगे बढ़ेंगे और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का और बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे NWGL चर्च के भाइयों ने मुझे याद किया। और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे आदरणीय बिशप साहब का, बिशप डॉक्टर लकड़ा जी का, कि उनके मार्गदर्शन में और उनके सानिध्य में ये कार्यक्रम हो रहा है। और मैं विश्वास करता हूँ कि इस कार्यक्रम के द्वारा, इन सभाओं के द्वारा अवश्य ही परमेश्वर के नाम को आदर और महिमा मिलेगी और परमेश्वर का नाम महिमा पाएगा। यदि आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो मैं जरूर से चाहूंगा कि आप अपना हैंड रेज कर दीजिए ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है। और धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच ब्रदर विल्सन। ये समय होगा कि हम लोग अपने सेशन में आगे बढ़ेंगे। करीब 10:40 हो चुका है, मैं करीब 20 मिनट का समय कम से कम लेना चाहूंगा ताकि मैं आज अपनी बात को आपके मध्य में रख सकूं। और मैं उम्मीद करता हूं और विश्वास करता हूं कि आज आपके साथ जो मेरा सेशन होगा वो अवश्य ही परमेश्वर के अनुग्रह में और उसकी दया में होने पाएगा। यदि आपके पास आपकी बाइबल है तो मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ निकाल लीजिए लूका रचित सुसमाचार और उसका 13वां अध्याय और उसके 6ठे पद से और उसके 9वें पद तक हम लोग मिलकर के एक साथ पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार और उसका 13वां अध्याय और उसके 6ठे पद से और 9वें पद तक का हिस्सा हम लोग एक साथ मिलकर के पढ़ेंगे। ओके, आर यू रेडी? हैंड रेज अगर आप तैयार हैं, अगर आपने बाइबल खोल लिया है, तैयार हैं, तो अपना हैंड रेज कर दीजिए ताकि मुझे मालूम पड़ जाए कि आप तैयार हैं। गुड, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, ना यहां इस प्रकार से लिखा है, फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा कि किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल कि यह भूमि को क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष तो और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, सो आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुत आशीष दे। विश्वासियों, आज की सुबह जो मैं बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो है, हमारा परमेश्वर दूसरा मौका देने वाला परमेश्वर है। आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ सेकेंड चांसेस। हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर न्याय पसंद परमेश्वर है, लेकिन साथ ही साथ हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। आवर गॉड इज नॉट ओनली ए जस्ट गॉड बट आवर गॉड इज ऑल्सो ए लविंग गॉड। इस घटना को यदि आप पढ़ें तो आपको मालूम पड़ेगा कि एक
बगीचा है, एक दाख की बारी है, एक किचन गार्डन है, उसका एक मालिक है और उसका एक रखवाला है। और मालिक हर वर्ष अपने दाख की बारी में जाता था ताकि वहां जाकर के जो पेड़ लगे हैं उनके फलों को वो ले ले। और एक विशेष एक खास पेड़ के बारे में लिखा हुआ है, अंजीर का पेड़ था और लगातार जो मालिक था वो उस पेड़ को देखने के लिए और ढूंढने के लिए, उसमें फलों को देखने के लिए जाया करता था। लेकिन 3 साल हो गए थे और उसको फल नहीं मिल रहा था। वो हर साल जाता था लेकिन उसको फल नहीं मिलते थे। और जब 3 साल लगातार गुजर गए और बार बार वो जाता रहा, उसको फल नहीं मिलता था, तो उसने जो जो माली था उससे कहा कि इस पेड़ को काट डाल, कट डाउन दिस ट्री, इस पेड़ को काट डाल, जब इस पेड़ में फल नहीं लग रहा है तो इस पेड़ से मुझे क्या लाभ, इस पेड़ का क्या फायदा, ये क्यों मेरी दाख की बारी में जगह घेर करके रखे। और मालिक ने कहा इस पेड़ को काट डालो। तो जो माली था, जो बगीचे का रखवाला था, उसने कहा कि हे मालिक, मुझे 1 वर्ष का अवसर और दे दे। ना ये जो बगीचे का जो माली है या जो रखवाला है वो परमेश्वर को प्रतिलक्षित करता है। यू नो द गार्डनर रिफ्लेक्ट्स आवर गॉड, हमारा परमेश्वर जो कह रहा है इसे एक मौका और दे दिया जाए, इसे एक अवसर और दे दिया जाए। हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर भी है और वो बार बार वो हमें मौके देता है और वो चाहता है कि हम लोग अपने अपने जीवन को जांच लें, परख लें, देख लें, और यदि कोई गड़बड़ी है, यदि कोई गुनाह है, यदि कोई पाप है और यदि कोई ऐसी बात है जो हमें परमेश्वर से अलग करती है, तो प्रभु चाहते हैं कि हम अपनी राहों से फिर जाएं और अपने आप को सुधार लें ताकि हमारे जीवन के अंदर में आइंदा से कोई पाप न रहे। यदि हमारे जीवन में कोई गड़बड़ी है, कोई गुनाह है, तो वो दूर हो जाए ताकि हम परमेश्वर की राहों पर हम चल सके। पौलुस ने अपने लेखनी में कहा है, क्या सिर्फ इसलिए कि अनुग्रह बहुत है पाप भी बहुत हो? Just because there is enough grace, should there be more sin? और उसका उत्तर है नहीं। सच बात यह है विश्वासियों कि हम लोग परमेश्वर के अनुग्रह को और उसकी दया को बहुत सी बार हम बहुत हल्के में लेते हैं। हम लोग परमेश्वर के अनुग्रह और उसके प्रेम को यूं ही हल्के में ले लेते हैं क्योंकि हम पाप करते हैं, हमें पाप का दंड नहीं मिलता है, हमारा जीवन गड़बड़ होता है लेकिन हमको उसका दंड नहीं मिलता है, इसलिए हम परमेश्वर के अनुग्रह को हल्के में लेने का प्रयास करते हैं। लेकिन आज की सुबह मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर के अनुग्रह को हल्के में न ले। Let us not take the grace and the love of God for granted। याद रखिएगा कि परमेश्वर प्रेमी तो है लेकिन परमेश्वर न्याय भी है, और एक दिन आएगा जब परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह का समय समाप्त हो जाएगा और न्याय का समय आएगा। रोमियो की पुस्तक उसके 3 अध्याय और उसके 23वें पद में लिखा हुआ है, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। For all have sinned and fall short of the glory of God। सब ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है, और पाप की मजदूरी मृत्यु। विशेष बात यह है, यदि पाप की मजदूरी मृत्यु है और सब ने पाप किया है तो सबको मृत्यु प्राप्त क्यों नहीं हुई? और उसका उत्तर यह है, सबको मृत्यु इसलिए प्राप्त नहीं हुई क्योंकि परमेश्वर केवल न्याय ही नहीं है, परमेश्वर प्रेमी भी है। और रोमियो 6 अध्याय और उसके 23वें पद में लिखा है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने लोगों को अनंत जीवन का वरदान देता है। गॉड गिव्स ग्रेस, गॉड गिव्स फॉरगिवनेस, गॉड गिव्स मर्सी एंड गॉड गिव्स द गिफ्ट ऑफ इटर्नल लाइफ थ्रू जीसस क्राइस्ट। ये है परमेश्वर की विशेषता कि वो प्रेमी, वो न्यायी होने के साथ साथ वो प्रेमी परमेश्वर भी है, और वो बार बार हमें चाहता है कि हम मौका मिल जाए ताकि हम अपने जीवन को सुधार लें और परमेश्वर की नजदीकी में वापस आ जाएं। सो एक बात तो विश्वासियों तय है कि परमेश्वर प्रेमी और अनुग्रहकारी है और वो हमको मौके पे मौके देता है ताकि हम अपने आप को जांच लें। परमेश्वर चाहता है कि हम अवसर को बहुमूल्य समझें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके अनुग्रह को हल्के में न लें। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवनों को परख लें, सुधर जाएं, ताकि जब बाग का मालिक आए, ताकि जब परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन हो, तो हम उसके साथ उसके स्वर्गीय राज में जाने के लिए तैयार पाए जाएं। ऐसा ना हो
कि वहां पर उस मौके पर और उस दिन पर और उस समय पर कहीं ना कहीं हमारे जीवन में जीवन रूपी वृक्ष में फलों की कमी पाई जाए। विश्वासियों, दो प्रकार के जीवन हैं जो हम जी सकते हैं, टू काइंड्स ऑफ लाइफ दैट वी कैन लिव। पहला है फलहीन जीवन और दूसरा है फलयुक्त जीवन। फलयुक्त जीवन की विशेषता यह है कि वो वृक्ष जो है वो अपने जड़ से जुड़ा हुआ है। द साइन और द रिफ्लेक्शन ऑफ ए फ्रूटफुल ट्री इज दैट द ट्री इज कनेक्टेड टू द रूट। फलयुक्त जीवन की विशेषता यह है कि वो अपने जड़ से जुड़ा हुआ है। दूसरी विशेष बात यह है कि उसको जड़ से लगातार पोषण मिलता है, पोषण मिलता है, नरिशमेंट मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। पेड़ और जड़ आपस में जुड़े हुए हैं और जड़ से पेड़ को लगातार पोषण मिलता है। इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि ये वो पेड़ हैं जो सही समय पर फल लाते हैं, सही समय पर फल लाते हैं। फलहीन जीवन जो है वो इस बात का संकेत है कि पेड़ अपनी जड़ से टूटा हुआ है। जड़ में और पेड़ के बीच में किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, कोई जुड़ाव नहीं है। और क्योंकि जड़ और पेड़ आपस में एक दूसरे से कटे हुए हैं, अलग हैं, आपस में कोई संपर्क नहीं है, कोई संगति नहीं है, कोई जुड़ाव नहीं है, कोई एकता नहीं है, इसीलिए पेड़ को जड़ की ओर से किसी प्रकार का पोषण, नरिशमेंट, न्यूट्रिशन, भोजन पदार्थ, जल इत्यादि नहीं प्राप्त होता। इसीलिए ऐसे पेड़ सूख जाते हैं, उनकी पत्तियां मुरझा जाती हैं और उनमें किसी प्रकार का कोई फल नहीं लगता। एक फलहीन जीवन इस बात का प्रतीक है कि उसके जड़ के साथ उसका कोई संपर्क नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की सुबह मैं आपको इस बात को चिताना चाहता हूं, दर्शाना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं, क्या आप उस पेड़ की तरह हैं जो अपने जड़ से जुड़े हुए हैं, अर्थात परमेश्वर के साथ आपका संपर्क है, उसके साथ आपका संबंध है, उसके साथ आपकी संगति है, या आप उस फलहीन वृक्ष की तरह हैं जिसका उसके जड़ के साथ किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, कोई संपर्क नहीं है और किसी प्रकार का कोई पोषण उसको प्राप्त नहीं हो रहा है। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बाइबल में लिखा है लोग तुम्हारे फलों को देखकर जान जाएंगे कि तुम किसके चेले हो, किसके शिष्य हो और किसके अनुयायी। इफिसियों की पत्री और उसके पांचवें अध्याय और उसके आठवें पद से लेकर के और सत्रहवें पद के बीच में एक बहुत गंभीर बात लिखी है। इफिसियों पांचवां अध्याय उसके आठवें पद से और सत्रहवें पद तक। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि मैं चाह तो रहा था कि स्क्रीन शेयरिंग करता, मैं कोशिश करता हूं कि अगर स्क्रीन शेयरिंग हो सके तो स्क्रीन शेयरिंग से मैं एक प्रेजेंटेशन भी आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। लेट मी सी इफ आई कैन डू इट। ओके, क्या आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? अगर दिख रही है तो अपना हैंड रेज कर दीजिएगा ताकि मैं समझ पाऊं कि आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है। कैन यू सी द स्क्रीन? क्या आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? हैंड रेज कर देंगे? थैंक यू वेरी मच। सिस्टर विनीता खजूर बता रही हैं कि उनको स्क्रीन दिख रही है, थैंक यू वेरी मच। नाउ इसी प्रेजेंटेशन को हम लोग फॉलो करते हुए चलेंगे और मैं बताना चाहता हूं कि इस सेशन के बाद ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मैं भाई विल्सन के पास ईमेल कर दूंगा ताकि भाई विल्सन सब लोगों को ये प्रेजेंटेशन दे देंगे ताकि आप अपने व्यक्तिगत बाइबल अध्ययन में इन नोट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ यदि हम सचमुच में जेन्युइनली अगर हम फल युक्त जीवन जीना चाहते हैं तो हमको तीन काम करने की जरूरत है। वी नीड टू डू थ्री थिंग्स इफ यू वॉन्ट टू लिव ए जेन्युइन फ्रूटफुल लाइफ। पहली बात है दैट वी नीड टू रिपेंट ऑफ आवर सिंस। हमें अपने पापों से पश्चाताप करने की आवश्यकता है। जब तक पापों से पश्चाताप नहीं होगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम किसी प्रकार के फल की अपेक्षा अपने जीवन में न करें। यदि हमारे जीवन में पापों से हम पश्चाताप नहीं करेंगे तो किसी प्रकार के फल की अपेक्षा हम जीवन में नहीं कर सकते। ना मैंने यहां पर तीन पदों को लिखा हुआ है
और ये तीन पद बहुत ही इम्पोर्टेंट पद हैं, क्योंकि ये तीनों पद में कहीं ना कहीं पर हमको जो है पश्चाताप के बारे में हम देखने को और हमको सीखने को मिलता है। और ये जो तीन पद हैं, ये है दूसरा इतिहास 7वां अध्याय 14वां पद, और यहेजकेल की पुस्तक 18वां अध्याय 30वां पद, और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय 4वां और 5वां पद। सो मैं चाहूंगा कि आप कुछ समय के लिए मेरे साथ ध्यान दीजिएगा इफिसियों 5:8 से और 17वें पद की ओर, और यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि तुम पहले अंधकार थे परंतु प्रभु में ज्योति हो, सो ज्योति की संतान की नाई चलो। यू वर वंस डार्कनेस बट नाउ यू आर लाइट, सो वॉक एज चिल्ड्रन ऑफ लाइट। ज्योति की संतान की नाई जीने की आवश्यकता है। पौलुस कह रहा है पहले तुम अंधकार थे परंतु अब ज्योति हो, पहले तुम अंधकार थे परंतु अब ज्योति हो, सो ज्योति की संतान की नाई जियो। अंधकार में जीवन का मतलब यह है हमारे पश्चाताप के पहले का जीवन, हमारा वो जीवन जब हम प्रभु यीशु मसीह से दूर थे, हमारा वो जीवन जब हमने अपने पापों से माफी नहीं मांगी थी, हमारा वो जीवन जब परमेश्वर के पुत्र यीशु के साथ हमारा किसी प्रकार का संपर्क नहीं था, कोई संबंध नहीं था, अर्थात हम उस पेड़ के समान थे जिसका अपनी जड़ के साथ किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं था। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये हमारे अंधकार के और पाप में जीवन को दर्शाता है। और पौलुस कहता है पहले तुम अंधकार में थे परंतु अब ज्योति हो, अर्थात पौलुस भी ये कह रहा है परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम अपने पापों से पश्चाताप करके और प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएं। पहले हम अंधकार थे, और यदि आप इसी इफिसियों उसके 5वें अध्याय और 3 से 7वें पद पर गौर करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि अंधकार में जीवन जीने वाले लोगों के कैसे गुण होते हैं। इफिसियों उसका 5वां अध्याय उसके 3 से 7वें पद के बीच में वो बातें लिखी हैं, वो गुण लिखे हुए हैं जो उन लोगों के हैं जिनका जीवन अंधकार में है, जिनका जीवन पाप में है, जिन्होंने भी पश्चाताप नहीं किया है, परमेश्वर प्रभु यीशु के साथ उनका कोई संबंध नहीं। पश्चाताप का मतलब क्या होता है, यू नो व्हाट इज रिपेंटेंस। और यहां पर देखिए मैंने आपके इस स्लाइड में रिपेंटेंस की परिभाषा लिख दी है। व्हाट इज रिपेंटेंस? रिपेंटेंस अर्थात इट इज बीइंग सॉरी फॉर ग्रीविंग गॉड बाय द वे यू लिव। अपने जीवन शैली के कारण जो परमेश्वर को हमने दुख दिया है, अपने जीवन के कारण, अपने कार्यों के कारण हमने जो परमेश्वर को दुख दिया है, उस दुख के देने की वजह से हम खेदित हैं, हम दुखी हैं और हम परमेश्वर से माफी मांग रहे हैं। हम जान रहे हैं कि हमारा जीवन ऐसा रहा जिसके द्वारा परमेश्वर दुखी हुआ है और उसके कारण हम दुखी हैं, सो हम प्रभु से माफी मांग रहे हैं। कह रहे हैं प्रभु हमें माफ कर क्योंकि हमने उन कामों को किया है जो आपको पसंद नहीं है। लॉर्ड फॉरगिव मी बिकॉज आई हैव लिव्ड अ लाइफ विच यू डू नॉट लाइक एंड आई एम सॉरी फॉर इट। और क्या मतलब है ट्रू रिपेंटेंस का, सच्चे पश्चाताप का और क्या मतलब है? इट इज ए डिजायर टू टर्न फ्रॉम योर सिंस विदाउट एनी रिग्रेट्स एंड टेक अ न्यू टर्न। सो रिपेंटेंस का, पश्चाताप का मतलब क्या है? रिपेंटेंस अर्थात पश्चाताप का मतलब है एक यू टर्न ले लेना। यू टर्न समझते हैं, हम पहले उत्तर दिशा में जा रहे थे, अब हमने पश्चाताप किया और अब हम दक्षिण दिशा की ओर जाने लगे, अर्थात पहले हम इस ओर जा रहे थे, अब हम वापस उल्टा 180 डिग्री हम लौट जा रहे हैं। अर्थात जीवन में एक ऐसा परिवर्तन जो हमारे जीवन की दिशा और दशा को बदल देता है, इसी को रिपेंटेंस कहा जाता है। रिपेंटेंस अर्थात पश्चाताप कहा जाता है। नाउ व्हाट इज रिपेंटेंस? रिपेंटेंस इज द रिन्यूअल ऑफ योर हार्ट एंड द रिन्यूअल ऑफ योर माइंड। पश्चाताप अर्थात हमारे दिमाग का, हमारे विचारों का और हमारे दिल का नया हो जाना। इस बात को याद रखिएगा कि जब हमारे विचार बदलेंगे, हमारा दिल अपने आप बदल जाएगा। When we make an effort to change our mind, when we make an effort to change our decisions, God will change the heart. जब हमारा मन मस्तिष्क बदलेगा, परमेश्वर हमारे दिल को बदल देगा। सो याद रखिएगा, पश्चाताप हमारा काम है लेकिन नयापन लाना, रिन्यूअल परमेश्वर का काम है।
हम पश्चाताप कर सकते हैं, लेकिन नयापन रिन्यूअल परमेश्वर की ओर से आता है। किसी ने कहा है कि किसी मनुष्य के जीवन में जो सबसे बड़ा आश्चर्यकर्म हो सकता है वो है उद्धार का अनुभव प्राप्त कर लेना। सैल्वेशन इज द बिगेस्ट मिरेकल दैट कैन हैपन इन द लाइफ ऑफ अ पर्सन। और उद्धार क्या है? उद्धार अर्थात प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारी पापों का क्षमा मिल जाना, माफी मिल जाना, इसी को हम उद्धार का अनुभव कहते हैं। याद रखिएगा कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के उससे माफी मांगते हैं, वो अपने लहू से हमारे पापों को धो करके शुद्ध और साफ कर देता है, हमें माफ कर देता है। अर्थात हम उस वृक्ष के समान बन जाते हैं जिसका अपनी जड़ के साथ एक बार फिर से संबंध जुड़ जाता है। We become like a tree that has come back in connection with its root। पश्चाताप, पापों की माफी मिल जाना। So यदि हम फलवंत मसीह जीवन जीना चाहते हैं और यदि हम परमेश्वर के द्वारा दिए हुए इस दूसरे अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अवश्य है कि हम लोग पश्चाताप की ओर बढ़ जाए। We need to seek forgiveness of sins. Now, आज की सुबह मैं नहीं जानता कि आप में से कितनों ने परमेश्वर के पुत्र यीशु से अपने पापों की माफी मांगी है। आप में से कितनों को पाप क्षमा का अनुभव प्राप्त हुआ है। लेकिन इस बात को याद रखिएगा, परमेश्वर ने जो दूसरा अवसर जो दिया है उसको कतई हल्के में न जाने दें। यदि पाप क्षमा का अनुभव प्राप्त नहीं है और यदि आपके पास पापों की क्षमा का अनुभव नहीं है, यदि उद्धार का अनुभव नहीं है, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे जवानों, इस बात को याद रखिएगा, परमेश्वर से माफी मांग लीजिए। Ask God's forgiveness। और लिखा है बाइबल में कि यदि हम सच्चे मन से अपने पापों को मान लें, तो वो हमारे पापों को माफ करने का और वो विश्वास योग्य है और धर्मी, वो माफ कर देगा। So ये पहली बात है that we need to seek repentance, okay? हमें पाप क्षमा मांगने की आवश्यकता है। जो दूसरा काम हमको करना है वो है renewal। Now याद देखिए आपके नोट्स में क्या लिखा है, repentance is पापों को मान लेना। पश्चाताप क्या है? पापों को मान लेना। रिन्यूअल क्या है? नयापन क्या है? पापों को छोड़ देना। सो पापों को छोड़ देना ये रिन्यूअल है, पापों को मान लेना ये पश्चाताप है। रिपेंटेंस इज सीकिंग फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉड, एक्सेप्टिंग माय सिन। रिन्यूअल इज लीविंग द लाइफ ऑफ सिन। पापों को मान लेना और पापों को छोड़ देना, ये दोनों अलग अलग बातें। हम सब जानते हैं कि हम पापी हैं, लेकिन बहुधा इस बात को जानने के बावजूद हम अपने पापों को छोड़ते नहीं। पापों को मान लेना और पापों को छोड़ देना। ना पापों को छोड़ देने का निर्णय हमारा ही होगा, इसमें परमेश्वर का कोई योगदान नहीं। यदि हमें पाप करना है तो भी ये निर्णय हमारा होगा, यदि पाप हमें नहीं करना है तो ये भी निर्णय हमारा होगा। अर्थात हम पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर हमारे पापों को माफ कर देते हैं, लेकिन पापों को फिर से नहीं करने का निर्णय ये हमारा होगा। अर्थात जीवन में नएपन के आने का जो निर्णय है वो हमारा होगा। बाइबल में लिखा है यदि हम अपने पापों को मान लें, अर्थात पश्चाताप करें, अर्थात रिपेंटेंस, और उनको छोड़ दें, अर्थात रिन्यूअल, नयापन, ये परमेश्वर हमारे पापों को माफ कर देगा। ये बाइबल में लिखा हुआ, पहला योहन्ना की पुस्तक में इस तरह से लिखा, यदि हम अपने पापों को मान ले और उसको छोड़ दें तो वो हमारे पापों को माफ कर देगा। सो देयर मस्ट बी ए रिन्यूअल इन द वे वी थिंक, व्हाट वी डिजायर एंड हाउ वी एक्सरसाइज आवर विल। हमारे जीवन में, हमारी सोच में, हमारे कार्यों में, हमारे चुनाव में, और अपनी स्वेच्छा का इस्तेमाल हम किस तरह से करते हैं, उसमें एक नएपन के आने की आवश्यकता है। रिन्यूअल इज नॉट समथिंग वी वेट फॉर गॉड टू डू, बट इट इज समथिंग दैट वी हैव टू डू। नयापन परमेश्वर ने हमको अपने जीवन में ले आना होगा। और मैं इस बात को जानता हूं कि बहुत सी बार जो
नयापन की बात है जीवन में, जो निर्णय हमें लेना है बहुत सी बार वो हमको बहुत कठिन लगता है, बहुत सी बार कुछ ऐसे पाप होते हैं जिनमें हम फंसे होते हैं, कुछ हमारी ऐसी आदतें होती हैं जिनमें हम फंसे होते हैं और हम जानते हैं कि ये गलत है, हम जानते हैं कि ये पाप है, लेकिन फिर भी हम उनको छोड़ नहीं पाते। अर्थात हम पश्चाताप तो करते हैं लेकिन जीवन में नयापन नहीं आ पाता, हम बार बार उन्हीं पापों को दोहराते रहते हैं, हम बार बार उन्हीं गलतियों को दोहराते रहते हैं। और शायद जब मैं इस बात को कह रहा हूं तो मेरे बहुत सारे जवान भाई बहन, करीब 192 लोग इस समय फेसबुक इस पर जूम पर जुड़े हुए हैं और मुझे नहीं पता कि यूट्यूब पर कितने लोग इस समय मुझे सुन रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि हमारे बहुत सारे भाई बहन मेरी इस बात से सहमत होंगे कि हम अपनी गलतियों को जानते हैं और चाहते हैं कि उन्हें छोड़ें, अर्थात अपने जीवन में नयापन चाहते हैं, लेकिन हम कमजोर पड़ जाते हैं, हम गिर जाते हैं और बार बार उन्हीं पापों को दोहराते रहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं इस बात को आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप अपने आप से अपने जीवन में नयापन नहीं ला पा रहे हैं तो आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा से सहायता मांगिए और वो आपकी सहायता करेगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने इससे पहले कि वो पृथ्वी छोड़ करके स्वर्ग चले जाते, उन्होंने अपने शिष्यों के लिए परमेश्वर से पवित्र आत्मा इसीलिए मांगा क्योंकि पवित्र वो हमारी मदद करने वाला है, वो हमारी सहायता करने वाला है और वो चाहता है कि हम अपने जीवन में नएपन को देखें। सो इफ यू आर अनएबल टू ब्रिंग दैट रिन्यूअल इन योर लाइफ, आस्क गॉड द होली स्पिरिट टू हेल्प यू। परमेश्वर पवित्र आत्मा से मांगिए कि वो आपकी सहायता करे और वो अवश्य आपकी सहायता करेंगे ताकि आप अपने इन पाप की बातों को छोड़ दें और आपके जीवन में एक नयापन आ जाए। सो रिपेंटेंस इज अ डिसीजन व्हाइल रिन्यूअल इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ योर डिसीजन। पश्चाताप पापों की क्षमा का निर्णय, ये आपका व्यक्तिगत निर्णय है और परमेश्वर आपके पापों को माफ कर देते हैं, ये उनका वायदा। लेकिन जीवन में नयापन इस बात को दर्शाता है कि आपने सच्चे मन से पश्चाताप किया है और अब आप एक नई राह में बढ़ चुके हैं। सो रिपेंटेंस इज अ डिसीजन व्हाइल रिपेंटेंस व्हाइल रिन्यूअल इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ योर डिसीजन। और इफिसियों की पत्री उसका 4:22 से 24 पद और रोमियो की पुस्तक उसका 12 पहले 2 पदों में इसी बात को दर्शाया गया है। और मैं अपने इस आज के संदेश के अंतिम ओर बढ़ चलना चाहता हूं और वो तीसरी बात है रिवाइवल। सो पहली बात थी रिपेंटेंस, दूसरी बात थी रिन्यूअल और तीसरी और अंतिम बात है रिवाइवल। रिवाइवल अर्थात बेदारी का। नाउ ये रिवाइवल क्या है? नाउ व्हेन अ कम्युनिटी ऑफ पीपल हैव अ स्पिरिट ऑफ रिपेंटेंस and begin to participate in the act of renewal, they become open for revival. जब लोग पश्चाताप की आत्मा से परिपूर्ण होकर के अपने पापों से माफी मांगते हैं और परमेश्वर के अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा एक नएपन की जीवन की ओर बढ़ते हैं, तब परमेश्वर उनके जीवन में बेदारी को लेकर के आता है। मैं इस बात को ध्यान रखिएगा मेरे भाइयों बहनों, मैं इस बात को एक विशेष संदर्भ में कह रहा हूं और संदर्भ है अवसर को बहुमूल्य समझिए। जीवन का कोई ठिकाना नहीं है प्यारे भाइयों बहनों। हमारे चारों तरफ, हमारे शहर में, हमारे प्रांत में और हमारे देश में और सारे संसार में एक ऐसी परिस्थिति व्याप्त है जिसमें जीवन का कोई ठिकाना नहीं। परमेश्वर ने आज हमारे देह में सांसें दी हैं, अवश्य है कि हम अवसर को बहुमूल्य समझें, अपने पापों से पश्चाताप करें, जीवन में एक नएपन की ओर बढ़ें। यदि स्वयं नहीं कर पा रहे हैं तो परमेश्वर के पवित्र आत्मा से सहायता मांगे और वो सहायता करेंगे क्योंकि वो अच्छे सहायक हैं। और जब हम सच्चे मन से पश्चाताप करके नएपन के जीवन की ओर बढ़ेंगे तब परमेश्वर हमारे जीवन में एक बेदारी को लेकर के आए। Then God will bring about a revival in our lives. My dear people, please do not expect any revival
unless there is true repentance and renewal in your life. जब तक आपके जीवन में पश्चाताप और नएपन की बात नहीं होगी, मेरे भाइयों बहनों, किसी प्रकार की बेदारी की उम्मीद न करें। हम चाहते तो हैं कि हमारे जीवन में बेदारी आए, लेकिन उस बेदारी के आने के लिए हमें अवसर को बहुमूल्य समझते हुए पापों से पश्चाताप करके परमेश्वर की सहायता से और उसके पवित्र आत्मा की अगुवाई में एक नएपन के जीवन की ओर बढ़ने की आवश्यकता है, तब हमारे जीवन में बेदारी आएगी। जीवन नश्वर है मेरे भाइयों बहनों, जीवन अल्प है और जीवन का कोई ठिकाना नहीं। उस मालिक ने आकर के दाख की बारी के रखवाले से कहा, मैं हर वर्ष आता हूं और इस पेड़ में किसी प्रकार का फल नहीं देखता, इस पेड़ को काट डाल। ये क्यों मेरे दाख की बारी में जमीन को घेरे रहे? मैं यहां कोई दूसरा पेड़ लगा दूंगा जिसमें फल निकलेंगे, जो मेरे लिए और दूसरों के लिए फायदे की बात होगी। लेकिन दाख की बारी के रखवाले ने कहा, मालिक इसको एक अवसर और दे दीजिए, मालिक इसको एक अवसर और दे दीजिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज की सुबह मैं इसी बात से आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आपके और मेरे पास ये जो जीवन हमें मिला है, ये हमारा पहला और अंतिम अवसर है। आज का जिन दो परमेश्वर ने हमें दिया है, ये हमारे लिए एक सुंदर अवसर है कि हम अपने जीवन को जांच लें, परख लें और अवसर को बहुमूल्य समझते हुए एक ऐसा जीवन जिए जो परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहणीय होगी जीवन। सच्चे मन से पश्चाताप करें, तब परमेश्वर हमारे पापों को माफ करेगा। अपने बेटे यीशु के लहू से हमको धो करके साफ और शुद्ध कर देगा, तब हमारे जीवन में एक नयापन आएगा। और प्यारे भाइयों बहनों, जब हमारे जीवन में नयापन आएगा, तब परमेश्वर हमारे जीवन में एक बेदारी को लेकर के आए, तब वो फल हमारे जीवन में लगने लगेंगे जिसकी अपेक्षा दाख की बारी का रखवाला करता है। मैं आज के अपने संदेश को यहीं पे समाप्त करना चाहता हूं और एक प्रश्न के साथ आज के संदेश को समाप्त करना चाहता हूं। That are we ready for God's Spirit to work freely in our lives? क्या हम तैयार हैं कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में कार्य करे? क्या हम तैयार हैं कि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवनों से होने पाए? क्या हम तैयार हैं कि हमारे जीवन रूपी पेड़ में वो फल लगे जिन फलों की अपेक्षा परमेश्वर कर रहा है? प्रभु हमारी सहायता करे, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे, ताकि आज की सुबह ये वचन हमें से हर एक के लिए एक आशीष का जरिया बन सके। थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे भाइयों बहनों। मैं आप सबों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, छोटा नागपुर और आसाम डायसिस के हमारे NWGEL चर्च के सभी भाई बहनों का, सभी पासवानों का, सभी यूथ लीडर्स का, डायरेक्टर्स का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके जरिए से परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मुझे ये मौका मिला। भाई विल्सन का मैं धन्यवाद देता हूं कि लगातार वो मेरे संपर्क में रहते हैं, केवल इस कार्यक्रम के संदर्भ में ही नहीं, आमतौर से वो हमारे टच में रहते हैं। और आज मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ संगति करके, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वचन के द्वारा अवश्य ही हम सबों को आशीष मिली है और कहीं ना कहीं आपको और मुझे कुछ नई बात सोचने को मिली। यू नो, वी नीड टू बी रेडी टू थिंक एंड एनालाइज आवर लाइव्स। सो एक बार फिर से मैं आप सबों को यीशु सहाय कहता हूँ और धन्यवाद देता हूँ और अपने संदेश को मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष। हेलो जी सर, इससे पहले कि हम लोग और आगे बढ़े, हम लोग चाह रहे थे कि एक हम लोग एक गीतों को आपसे सुन पाते तो अच्छा। चलिए ठीक है, मैं अपने गीत का एक मेरा गीत है जो इस समय YouTube पर है और काफी ज्यादा लोग उसको पसंद कर रहे हैं, वो गीत मैं आपके लिए गा सकता हूँ। उस गीत के शब्द हैं, मेरा भरोसा है केवल प्रभु, वही मेरा बल मेरी ढाल। मैं उम्मीद करता हूं कि इस गीत के जरिए से परमेश्वर हम सबों को आशीष देंगे। मेरा ये गीत मैं आप सबों को बताना चाहता हूं कि मेरा ये गीत जो है वो YouTube पर जो मेरा चैनल है जस्टिन मसीह, उस चैनल पर ये गीत अवेलेबल है।
और आप इस कार्यक्रम के बाद जब आपका आज का सत्र समाप्त होगा उसके बाद आप जाकर के और YouTube पर उस गीत को सुन सकते हैं और उसके द्वारा अवश्य परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? यस सर, आ रही आवाज। ओके, ठीक है ठीक है। मेरा भरोसा है केवल प्रभु, वो ही वो ही मेरा बल मेरी डाल, मेरी आंखें सदा उसकी ओर उठे, क्योंकि मुझको सहायता उसी से मिले। मेरी आंखें सदा उसकी ओर उठे, क्योंकि मुझको सहायता उसी से मिले। मैं हूं मिट्टी प्रभु और तू है कुम्हार, जैसा चाहे मुझे ढाल दे, ऐसा बर्तन बना जो तेरी आत्मा से हर पल हर कदम भरता रहे, ऐसा बर्तन बना जो तेरी आत्मा से हर पल हर कदम भरता रहे। चाहे घोर अंधकार की तराई में चलूं, तो भी हानि से मैं ना डरूं। चाहे घोर अंधकार की तराई में चलूं, तो भी हानि से मैं ना डरूं, क्योंकि तेरे सोंठे और तेरी लाठी से सदा शांति मुझे मिलती रहे। मेरा भरोसा है केवल प्रभु, वो ही मेरा बल मेरी ढाल। हालेलुया। हमारे सर डॉक्टर जशन मसी को पूरे डायसिस युवासंघ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको कि आपने इतने कम समय में इतनी अच्छी रीति से हम सबों को शिक्षित किया है, परमेश्वर के वचनों से हमें अनुग्रहित किया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो हमारे जीवन के लिए तीन मार्ग लाए हैं, मैं पूरे कलिशिया के युवा भाई बहनों से आग्रह करूंगा कि ये तीन जो हमारे जीवन के लिए बहुमूल्य जो पॉइंट हमारे बीच में दिया गया, आप इसे जरूर से जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है हमें दूसरा अवसर देने वाला परमेश्वर है, इसलिए हमें उनके अनुग्रह को हल्के में नहीं लेना है। अगर हमें पता है तो हमें वहीं से यूटर्न लेना है और अपने जीवन में एक नए जीवन की शुरुआत करना है। पुनः मैं पूरे कलिशिया युवा संघ की ओर से सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि हमें अगर हमारे कलिशिया को अगर आपकी सेवकाई की आवश्यकता हो तो आप हमारे निमंत्रण को इसी प्रकार से स्वीकार करें और आगे भी सर पुनः एक बार आपको धन्यवाद। सभी भाई बहनों को यीशु सहाय। यीशु सहाय सर। अब समय है हमारे बीच में अदस भजन के लिए, तो मैं बंदरचुआ पेरिस के भाई बहनों से आग्रह करूंगा कि वे अपने अदस भजन को लेकर के हमारे बीच में आएंगे और इसके बाद हम लोग अगले क्लास में जाएंगे। तो इस समय वक्त होगा हमारे बीच में बंदरचुआ के भाई बहनों का, जो हमारे बीच में अदस भजन को प्रस्तुत करेंगे। और जितने भी भाई बहन अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं और जितने YouTube लाइव से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी अनुरोध आग्रह करूंगा कि वे भी Zoom ऐप्स में आकर के आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। धन्यवाद। अब हमारे बीच में है हमारे बंदरचुआ पेरिस के भाई बहन। बंदरचुआ के भाई बहन अपना हैंड रेज करेंगे, हाथ उठाएंगे ऐप के माध्यम से, ताकि धन्यवाद सरापानी पेरिस के नाम से शायद। धन्यवाद।
जो गीत प्रस्तुत करना चाह रहे हैं आप लोग माइक को ऑन करेंगे। अपने वीडियो को ऑन करें ताकि हम लोग देख सकेंगे। बंदर चुहा के भाई बहन आप अपने वीडियो को ऑन करें और हाथ को आप रेज करेंगे तो हम लोग आपके वीडियो को स्टार्ट करेंगे। यीशु सहाय बंदर चुहा के भाई बहनों को सुंदर अदर भजन के लिए पूरे कलीसिया वसंत की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतने सुंदर आदर्श भजन को हमारे समूह प्रस्तुत किया है। अब हम लोग आगे चलेंगे आगे की क्लास में। हम लोग आगे चलें इससे पहले मैं हमारे बीच में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे
कलीसिया व संघ की उप सभापति श्रीमती अलका विवाह टपको को और मैं आगे के कार्यक्रम के लिए उनको सौंपता हूँ आगे की जिम्मेवारी के लिए, मैं धन संचालन के लिए उन्हें आमंत्रित करता हूँ। तो हमारे बीच में उपस्थित है हमारे कलीसिया व संघ की वाइस प्रेसिडेंट अलका विवाह टपको, धन्यवाद। सचिव साहब को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को कलीसिया युवा संघ होकर मैं कलीसिया युवा संघ उपाध्यक्ष होकर आप सभी को पुनः सारे हृदय से मसीह यीशु के नाम से यीशु सहाय कहती हूँ। आप सभी परमेश्वर के नाम से जुड़े हुए हैं, सचमुच आनंद की बात है और यह सुनहरा अवसर है कि इस लॉकडाउन की स्थिति में भी हम प्रभु में इतनी सारी संख्या में जुड़ पाए हैं और हम वचन का आनंद लेने पाते हैं और हम अपने घरों में रहकर भी परमेश्वर की आशीष और जीवित वचन को एक एक परिवार में हम पहुंचाने पा रहे हैं। इसलिए हम सर्वप्रथम इस बात के होने के लिए परमेश्वर को भी धन्यवाद देते हैं कि उनकी अगुवाई में हमारा यह कार्यक्रम सफल हो रहा है और हम आज के इस दूसरे दिवसीय बाइबल क्लास में पहला क्लास हम अटेंड कर चुके हैं और अभी हम दूसरे क्लास की ओर जाएंगे जो हमारे पास खंड विषय है यिर्मयाह की किताब अध्याय 3 उसका पद संख्या 22, उसमें है युवाओं भटकने से बचो, युवाओं भटकने से बचो। और इसे हमारे बीच में प्रस्तुत करने के लिए और हमारे बीच में वचन को हमारे बीच में बांटने के लिए आ रहे हैं हमारे एनडीटीसी मलार के शिक्षक रेवरेंट अमर नमी टोको, जो एक युवा हैं स्वयं भी और हमेशा युवाओं के लिए वे आगे आते आए हैं और हमेशा हम युवाओं के साथ जुड़कर परमेश्वर के वचन में हमें लेकर चले हैं आत्मिकता में और आज हम पुनः उन्हीं की अगुवाई में पुनः हम युवाओं को इस भटकाव से इस विषय पर हम उन्हीं के द्वारा वचनों की आशीष पाना चाहते हैं। इसलिए हम कलीसिया युवा संघ होकर उन्हें सादर आमंत्रित करते हैं कि हमारे बीच में आए और अपने वचनों के द्वारा हमें आशीषित करें। हम जहां कहीं भी हैं उनके नाम से तालियां बजाकर हम उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। तो हमारे बीच में आ रहे हैं अपने विषय को लेकर रेवरेंट अमर नवीन टोको एनडीटीसी मलार के शिक्षक। हाँ, हमारे सुंदर ताली से स्वागत करने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी ओर से और हमारे पूरे नवीन डोमन थियोलॉजिकल कॉलेज की ओर से आप सबों को यीशु सहाय। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे परमेश्वर पिता का कि आज के ऐसे सुंदर समय में परमेश्वर पिता ने हम सबों को ऐसा सुंदर अवसर दिया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे डायसिस युवा संघ के अधिकारियों को, अगुओं को, कि फिर से मुझे इस योग्य समझा और इस ऑनलाइन बाइबल क्लास में एक ऐसा अवसर दिया कि मैं प्रभु के वचन को इस ऑनलाइन के माध्यम से आप सबों के बीच में मैं ला सकता हूँ। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं मेरे पीछे जो कि टीवी में कुछ, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं मसीह प्रियो, तो मैं चाहता हूं कि हम लोग कुछ अलग तरीके से, कुछ नए तरीके से हम लोग आज के इस क्लास को सीखेंगे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हमें दिया गया है जो कि जैसे हमारी बहन विभा अलका विभा बतला रहे थे कि युवाओं भटकने से बचो। जय प्रियो, आइए हम लोग आगे का हम लोग क्लास शुरू करने से पहले हम लोग सबसे पहले परमेश्वर पिता को हम लोग धन्यवाद देंगे। आइए हम लोग जितने कोई इस ऑनलाइन बाइबल क्लास से जुड़े हुए हैं हम लोग अपने आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और परमेश्वर पिता की ओर हम लोग ध्यान लगाएं। आइए हम प्रार्थना करें। हे सनाम के यहोवा जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर दयालु पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के एक नए दिन के लिए, नए अवसर देने के लिए। हाँ पिता, आज ऐसे महामारी में जब पूरा विश्व हाँ पिता अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, फिर भी तू आज हमें ऐसा अवसर दे रहा है प्रभु कि आज हम तेरे वचन के भूखे और प्यासे होकर तेरे निकट में आ पाते हैं और ऐसा माध्यम दिया पिता कि हम इस ऑनलाइन चर्च के माध्यम से आज हम तेरे शिक्षा को ग्रहण कर पाते हैं। हाँ पिता, कल से जब हम इस डायसिस युवा संघ के द्वारा जो आयोजित किया गया ऑनलाइन बाइबल क्लास है इसमें हम जुड़े हैं और लगातार हाँ प्रभु हमारे इस पूरे कलीसिया के और विभिन्न जगहों से
बहुत तरह के लोग और जवान ज्योति हाँ पिता इस ऑनलाइन सर्विस से जुड़े हुए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हाँ पिता उनके योगदान के लिए, उनके सहयोग के लिए। और जब ये जुड़े हैं प्रभु जी तेरा वचन हर एक से बातचीत को मैं आपका तो हमारा परिस्थिति में अस्तु हमें छुड़ाना बचाना चाहता है और एक छुटकारा जीवन को देना चाहता है। उन्हें दीजिए प्रभु कि ये वचन हमारे एक ही जीवन के लिए एक आशीष का कारण होने पाए। समय को आपके हाथों में सौंपता हूँ, मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। पवित्र आत्मा की अगुवाई को चाहता हूँ कि तेरे पवित्र आत्मा से आप पिता भरकर आज हर एक कोई सच्चे मन और सच्चे विश्वास के साथ तेरे वचन को और इस क्लास में आप पिता उपस्थित होने पाए। प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए, अशोक की राजमदया से ग्रहण कीजिए, आमीन। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा फिर से ऐसा सुंदर समय के लिए, ऐसा सुंदर अवसर के लिए। और जैसे हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो विषय है युवाओं भटकने से बचो, उसके लिए जो हमारा टेक्स्ट है जो बाइबल वचन है वो हमें मिलता है यर्मिया 3:22 में। यहाँ वचन कहता है कि हे भटकने वाले लड़कों लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा, हे भटकने वाले लड़कों लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। जी प्रियो, आज का हमें इस यर्मिया नबी जब इस वचन को कह रहा है, हमें इसे समझने की आवश्यकता है। ये लड़कों किसे कहा गया है और कौन भटक रहे हैं, इन बात को उस समय के संदर्भ का ही हम लोग थोड़ा मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। और ये जो लड़के हैं ये इसराइली जाति को कहा गया है और जो कंटिन्यूअसली लगातार प्रभु के विरोध में वो काम कर रहे हैं। अगर हम यर्मिया 3 को अगर हम पूरे तरीके से अगर हम पढ़ेंगे शुरू से, हम लोग देख सकते हैं वचन में यर्मिया कहता है कि कैसे वो मूर्ति पूजा व्यभिचार और बहुत सारे पापों में वो फंसे हुए हैं, परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य कर रहे हैं। और मगर ऐसे समय में परमेश्वर यर्मिया को नियुक्त कर रहा है और उन्हें चेतावनी दे रहा है और उसके उसे इस्तेमाल करते हुए वो यर्मिया नबी के द्वारा इसराइली जाति को बचाने के लिए आज उसके द्वारा एक वचन कह रहा है और कहता है कि हे भटकने वाले लड़को लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। मगर आज जब हम इस परिस्थिति में हैं, आज की इस 21वीं सदी में है, हम आज कुछ बातों को हमें समझना है और आज के इस वचन को आज के हम संदर्भ में हमें जानने का हम प्रयास करेंगे। जी हाँ प्रियो, सबसे पहली बात आज हम समझने का कोशिश करेंगे कि आज के इस संदर्भ में किस रीति से आज यह वचन हमारे लिए रिलेवेंट है, आज कितना ज्यादा ये उपयोगी है। आज के इस वचन में तीन विशेष जो विषय दिया गया है, युवा भटकने से बचो, तीन विशेष बातों को हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं। पहली बात है युवा, दूसरी बात भटकना और तीसरा बचना। आज ये तीन विशेष बात इसको हम लोग पहली आज हम लोग इसको समझेंगे कि युवा क्या होता है। युवा मतलब हम लोग जनरली जानते हैं जो यूथ को कहा गया है, जो एक युवा पीढ़ी को कहा गया है। और विशेषकर आज जब हम लोग एक कलीसियाई जीवन को व्यतीत करते हैं और हमारे कलीसिया में जो एक युवा संघ कहा गया है, युवा संघ में विशेषकर 13 वर्ष से 35 वर्ष के भाई बहनों को आज युवा संघ में लाया जाता है या फिर इस ग्रुप में हम लोग देख पाते हैं। दूसरा देखते हैं कि भटकना क्या होता है। मेरे हिसाब से प्रियो, भटकना मैं ऐसा समझता हूं कि सही से गलत की ओर जाना, सही से गलत की ओर जाना। मतलब कि आज या कोई एक एक्सीडेंट नहीं है या फिर हम अनजाने पे नहीं कर रहे हैं, मगर हमें पता है कि हमें कहाँ जाना चाहिए, मगर हम उस ट्रैक में नहीं जाके आज हम कहीं ना कहीं गलत दिशा की ओर जा रहे हैं। और इसलिए इस शब्द को मैंने इस शब्द को यहाँ पर इसराइलियों के लिए, इसराइलियों के जीवन के लिए भी यर्मिया कहता है, क्योंकि उन्हें पता था परमेश्वर की वाचा क्या है, परमेश्वर उनसे क्या चाहते हैं। उन हर एक बातों को इसराइली जानते थे, मगर जानबूझकर वो कई बार परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध में वो कार्य करते थे। और इसलिए यर्मिया कहता था कि हे लड़को भटकने से बचो कहता है। और इसलिए मिसिंग द राइट ट्रैक, जी हाँ प्रियो, मिसिंग द राइट ट्रैक, जो हम लोग ट्रैक हमें दिया गया है, जो पाथ दिया गया है, जो रास्ता दिया गया है, उसके मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि वो भटकना होता है। कई बार हम लोग कंफ्यूज है कि आज विशेषकर युवा जनरेशन आज कंफ्यूज है कि हम किस ओर जाए, क्या मेरे लिए सही है क्या गलत है। आइए इसको हम लोग और भी हम लोग अच्छी रीति से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। बचना क्या होता है? हो सकता है हमारे हिसाब से बचना किसी मृत्यु से बचना है, कहीं किसी एक्सीडेंट से बचना है, किसी घटना से बचना है,
मगर आज जब हम इस विशेष कर जितने भी ऑनलाइन से जुड़े हुए मैं कहना चाहूंगा, मैं ज्यादा से ज्यादा मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कैसे इस 21वीं सदी के जवानों को मैं एक सही रास्ता दिखा पाऊं या वचन दिखा पाए। जी हाँ, ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये हम लोग बहुत कोई आज हम लोग इससे देखा गया पिक्चर है, विशेष कर उन बच्चों के लिए, टीनेजर्स के लिए मैं कहना चाहूंगा। और आजकल बहुत सारे जवान इवन अबव 20-25 भी आज इससे जुड़े हुए हैं। और हम जानते हैं ये क्या है, एक पबजी गेम है ना, और यहाँ देख रहे सर्वाइवल गेम। ये गेम क्या होता है मैं कहना चाहूंगा छोटे से थोड़े शब्दों में। इसमें हम हर एक कोई चाहते कि हम इसमें कैसे बचे और दूसरों को हम मारे। और हम लोग रात तो रात आजकल जब से लॉकडाउन शुरू हो चुका है हम लोग अपना टाइम टेबल ही चेंज कर चुके हैं। हम लोग रातों भर आज जग रहे हैं। और आज के युवा पीढ़ी क्या क्यों जग रहे हैं, आज मेरे साथ बहुत सारे युवा जो देख रहे हैं सहमत भी होंगे कि आज हम लोग रात भर पबजी में हम लोग व्यस्त है। जी हाँ, हमारा टाइम टेबल बदल चुका है, हमारा उठना बैठना बदल चुका है और रातों रात आज हम लोग पबजी में खेल के हम लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे कहना चाहेंगे। और इसे आज हम लोग एक आदि बना दे रहे हैं, पार्ट ऑफ लाइफ हो जा रहा है हमारा। और ये बचना मैं इसलिए इसे एक एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में मैं कहना चाहूंगा कि आज हम क्या चीज से इससे बच रहे हैं। क्योंकि पबजी में क्या होता है कि हम हर समय अपने आप को बचाने का कोशिश करते हैं, दूसरों को मारने का कोशिश करते हैं और उससे हमें पॉइंट्स मिलता है। और इसलिए इस चीज को हम लोग अच्छी रीति से समझेंगे। मगर एक बड़ा सवाल आज मेरे लिए है उन हर एक युवाओं के लिए कि आज हम पबजी में तो बच जा रहे हैं, ध्यान देंगे कि आज हम पबजी में तो बच जा रहे हैं, क्या मगर आज हम असल जीवन में एक रियल लाइफ में क्या हम बच पा रहे हैं। आज बहुत ही बड़ा सवाल हमारे लिए, क्या आज हम पबजी में अगर हम बच भी गए लेकिन अगर आज हम असल जीवन में एक रियल लाइफ में अगर हम नहीं बच पा रहे हैं तो हमारा लाइफ वेस्ट मसीह प्रियो। सवाल आज है क्या हम के हुए और के हुए हैं, आज बहुत ही बड़ा सवाल है हम सब। जो यीशु मसीह जो परमेश्वर हमें जिस रास्ता को दिखा रहा है, जिस पाथ को दिखा रहा है, जिस ट्रैक को वो चाहता है कि हम लोग उस ट्रैक में जाए, आज क्या हम उससे भटक रहे हैं? और अगर हाँ तो आज मैं उनके लिए आज कहना चाहूंगा जो भटक रहे हैं, हमें कौन भटका रहा है, ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा बात है जो हमें भटका रहा है, एक ये दूसरा अहम सवाल हमारे जीवन में है। हो सकता है हम लोग कई सारे हम लोग प्रोग्राम्स में, बाइबल क्लासेस में, युवा संघ और बहुत सारे ऐसा प्रोग्राम्स में हम सुने होंगे कि लड़ाई झगड़ा, हनिया दारू, बुरी संगति, ऐसे बहुत सारे चीज आज हमें संसारिकता की बातें हैं जो हमें भटका रहे हैं। अगर मैं कहना चाहूंगा आज वो सारे चीज भी आउटडेटेड हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है प्रियो। और आज हमें कुछ ऐसी बातें हैं जो आज हमें उसकी उससे ज्यादा प्रभाव कर रहा है और हम उससे ज्यादा हम जो मसीही जीवन है, आत्मिक जीवन है, उससे हम भटक रहे हैं। हो सकता है ओवर कॉन्फिडेंस, हो सकता है अति आत्मविश्वास। ये अति आत्मविश्वास क्या है? जब ये कॉन्फिडेंस, जब तक कॉन्फिडेंस रहता है मसीह प्रियो तब तक अच्छा है, मगर जब वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, और विशेषकर आज हमारे जवानों के जीवन में ये देखा गया है कि हम लोग कुछ भी काम को करते हैं, कोई भी चीज हम विचार करते हैं वो बहुत ही ज्यादा अति विश्वास से, अति आत्मविश्वास से करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। और जब हम ओवर कॉन्फिडेंस हमारे जीवन में आता, हमारे हृदय में आता है, हम एक बहुत ही बड़ा गलत फहमी में जीते हैं। हमें लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, कोई भी चीज हमें गलत नजर नहीं आता है और इसे ओवर कॉन्फिडेंस कहा जाता है। दूसरा चीज है ईगो या फिर अहम। किसी का कहना है कि जीवन को केवल दो शब्द ही नष्ट करता है। जी हाँ प्रयोग, जीवन को केवल दो शब्द ही नष्ट करता है, वो है अहम और वहम। मतलब कि एक झूठा एक परिस्थिति या फिर एक इगोइस्टिक लाइफ जो होता है कि मैं माई सेल्फ आई एम, मतलब मैं जो कर रहा हूँ वही जीवन को आज हमारे कई कई बार हमें भटका रहा है। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो आज हमें भटका रहा है। जैसे हमारा एटीट्यूड, कई बार हम लोग को लगता है कि मैं जो हूँ, फिर से आई मी माई सेल्फ वाली बात है। लेजीनेस, आलसपन, मैं कहना चाहूंगा, फिर से दोहराना चाहूंगा, जब से लॉकडाउन का परिस्थिति हम लोग अपने घरों में, ये लॉकडाउन का प्रभाव है कि आज हम ऑनलाइन बाइबल क्लास कर रहे हैं, आज हम लोग धीरे धीरे यह हमारे बॉडी को, यह हमारे शरीर को, यह हमारे आत्मा को ये और ज्यादा लेजी कर रहा है। कहीं कहीं कोई बहुत ज्यादा ही आज बहुत ज्यादा वो प्रभावित हो रहे हैं, मगर कहीं कहीं आज हमारे जवान युवा भाई बहन
हमारे युवा पीढ़ी आज आलसपन में वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और इसे बचना है क्योंकि कहीं ना कहीं ये आज हमारे आत्मिक जीवन से आज हमें ये भटका रहा है। ओवर स्मार्ट, हमें लगता है कि आज मुझे सब कुछ पता है, मैं सब कुछ जानता हूं और हम लोग दूसरों की बात हम लोग सुनना नहीं चाहते हैं। हमें लगता है कि दूसरे हमारे जीवन के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं और दूसरे हमें कभी भी कुछ अच्छा राय हमें नहीं दे सकते हैं और इसके कारण आज हम अपने एक राइट ट्रैक जो है उससे हम भटक जा रहे हैं। सेल्फिशनेस बहुत ही ज्यादा हम लोग मतलबी हो जा रहे हैं, हमें दूसरों से लेना देना नहीं है। उसी तरह और भी बहुत सारे चीजें हैं जो हमें हम देख सकते हैं, जैसा है कि नेम फेम पॉपुलैरिटी अट्रैक्शन, बहुत ही अच्छी शब्द हम लोग देख पा रहे हैं। और नेम फेम पॉपुलैरिटी, जी हाँ प्रियो, इसे हम गलत शब्दों में ना ले या फिर गलत तरीके से ना ले, नेम फेम बहुत ही अच्छा है, होना भी चाहिए, लेकिन आज हम उस पहचान को बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, आज वो हमें देखना है। किस तरह से हम गलत संगति या फिर गलत चीजों का अपने जीवन में हम उसे प्राथमिकता देकर आज हमें अपने हम अपना पहचान बनाना चाह रहे हैं, हम अपना नाम रोशन करना चाह रहे हैं, आज वो सारी चीज हमें भटका रही है। अट्रैक्शन, आज के हमारे युवा पीढ़ी कैसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, कहना चाहिए सेल्फ एक सेटिस्फेक्शन होता है, एक हमें एक संतुष्टि भरा जीवन हमें चाहिए आज के युवा पीढ़ी को, और विशेषकर जो जवान युवा लड़का लड़की हैं, भाई बहन है, आज के डेट में कैसा वो एक लाइफ को चाह रहे हैं, आकर्षण कहाँ मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन कहाँ मिल रहा है। मैं कहना चाहूंगा, सुन के थोड़ा खराब लगेगा जरूर, मगर मैं भी इसी कलिशिया का हूँ, मैं जवानों के साथ में बहुत ही ज्यादा उठता बैठता हूँ और मुझे वो पर्सनली मुझे बहुत ही खराब लगता है कि आज के हमारे युवा पीढ़ी आज बिस्तर में एक सेटिस्फेक्शन लाइफ ढूंढ रहे हैं। जी हाँ प्रियो, बिस्तर में आज सेटिस्फेक्शन लाइफ ढूंढ रहे हैं और इसे मुझे ज्यादा एलाबोरेट करने का जरूरत नहीं है, हम बहुत समझदार हैं क्योंकि मैंने कहा कि आज हम बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस अपने लाइफ में, हम बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट अपने लाइफ में, तो हम जान रहे हैं मेरे कहने का तात्पर्य क्या है और आज इसे हमें बचने की आवश्यकता है। और इसलिए आज यिर्मयाह कह रहा है कि हे लड़को, हे जवानो, हे युवाओं, भटकने से बचो। तीसरी बात है कि बैड इन्फ्लुएंस, गलत प्रभाव, आज हम दूसरों के लिए गलत एग्जाम्पल बन रहे हैं और दूसरे हमारे अंदर में एक गलत इन्फ्लुएंस छोड़ के जा रहे हैं। हम ऐसा समाज में है मसीह प्रियो कि आज हमारे आस पड़ोस में, हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी घटनाएं घट रही, बहुत सारे बातें हो रही है, लेकिन हम कौन सी चीजों को अपने लाइफ में एक्सेप्ट कर रहे हैं, किन बातों को हम प्राथमिकता दे रहे हैं, और इसलिए आज हमें इन बैड इन्फ्लुएंस, गलत प्रभाव से हमें बचने की आवश्यकता है। ऐसे बहुत सारे चीज है और बहुत महत्वपूर्ण चीज, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं कैसे, हमारे पादरी साहब, हमारे दादा कैसे इस बात को नहीं ला रहे हैं, कैसे वो भूल जा रहे हैं। मैं नहीं भूला हूं प्रियो, और वो कुछ और नहीं बल्कि आज वो है सोशल नेटवर्किंग। आज बहुत ही बड़ा आज कारण है हमारे युवा पीढ़ी इसके कारण आज भटक रहे हैं। इसका भी यूज है, मिसयूज है, एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, मगर आज हम इसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। हम देख पा रहे हैं पिक्चर में कि फेसबुक का इमेज है, वो घड़ी को काइंड ऑफ खा रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो समय हमारा ले रहा है। हम कितना समय दे रहे हैं अपने मोबाइल में, हम कितना समय सोशल नेटवर्किंग में व्यस्त है। आइए हम अपने जीवन को देखें, इवैल्यूएट करें, विशेषकर इस लॉकडाउन के परिस्थिति में जब हम घरों में हैं, हमें किसी तरह का काम नहीं है, कॉलेज नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना है, बाहर एक्सपोजर नहीं है, तो आज हम घर में बैठे बैठे क्या कर रहे हैं 24 घंटा। जनरेशन को कहा जाता है गर्दन है झुका हुआ है कि आज दिन और रात जनरेशन है। आज हम अपना समय देखिए कैसे व्यतीत कर रहे हैं और वेस्ट कर रहे हैं। फिर से यहाँ बहुत सारे सिंबल्स हम लोग देख पा रहे हैं, कुछ जैसे यहाँ टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है और बहुत सारे व्हाट्सएप, बहुत सारे ऐसे चीजें जहाँ हम व्यस्त है। टिकटॉक के बारे में कहना चाहूंगा, कल हमारे उड़ीसा का एक न्यूज मैंने आज सुबह सुबह ही देखा कि जैसे ही लॉकडाउन खुल गया, जैसे ही थोड़ा बहुत सरकार छूट दे दी, तुरंत लोग विशेषकर जवान पार्क में जाकर वो घूम फिर नहीं रहे बल्कि लोग क्या कर रहे हैं, टिकटॉक वीडियोज वो बना रहे हैं। कई दिनों से अब ऐसा लग रहा है कि उनके घरों में वो रह के बोर हो रहे हैं और वो सोच रहे कि कब मैं वीडियोज बनाऊ, कब मुझे नाम मिले, कब मुझे व्यूज मिले, कब मुझे लाइक्स मिले। आज हम लाइक्स पाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारा कपड़ा छोटा होते जा रहा है और हम बहुत ही ज्यादा आज इसमें घुसते जा रहे हैं। हम अपने जीवन को आज कहां किस ओर ले जा रहे हैं मसीह प्रियो, आज हमें ये सोचने की आवश्यकता है।
और कई बार मैं ऐसे जवानों से जब भी मैं बात करता हूं, उन्हें समझाने का कोशिश करता हूं, और उनसे जब मैं पूछता हूं कि भाई और या बहन आप ऐसा क्यों करते हैं, आपको कितना मजा आता है, तो उनका क्या जवाब होता है आप लोग जान सकते हैं? उनका जवाब होता है कि इट्स माई लाइफ, इट्स माई चॉइस, ये मेरा जीवन है, मेरा मर्जी है, मेरी इच्छा, मैं जो भी करूं, आपको क्या, क्या आप मुझे खाने देते हैं, क्या आप, मैं आपके घर में रहता हूं कि मैं आपके हिसाब से चलूं? आज ये बहुत ही बड़ा दुख की विषय है मसीह प्रिय, मेरे अप्रिय भाइयों बहनों, ख्रिस्ते प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहूंगा कि आज ये इट्स माई लाइफ इट्स माई चॉइस स्पेस बहुत जरूरी है। मैं कहना चाहूंगा स्पेस अपने लाइफ में बहुत ही जरूरी है, लेकिन हम उस स्पेस का कैसा यूटिलाइज कर रहे हैं अपने लाइफ में। ये जो माई लाइफ है, माई चॉइस, हम कहां तक ये सही कर रहे हैं? क्या हम इट्स माई लाइफ इट्स माई चॉइस करके हम सही दिशा में और जा रहे हैं? क्या मैं इट्स माई लाइफ इट्स माई चॉइस बोल करके क्या मैं अपने माता पिता के नजरों में मैं एक आदर्श बन रहा हूँ या बन रही हूँ? बहुत ही बड़ा सवाल है। मैं एक छोटी सी एक कहानी बतलाना चाहूंगा एक वाहन का। हो सकता है ये एक आप सबों के मन को ये थोड़ा डिस्टर्ब करेगा, लेकिन ये सच्ची घटना है। एक अज्जादा ने एक टीनेजर है, 18-19-20 साल की एक बहन है, और वो क्या करती है, क्योंकि हम जितने कोई मोस्ट प्रोबेबली हमारे इस वीडियोस में या फिर सॉरी आज के इस ऑनलाइन बाइबल क्लास में बहुत सारे ऐसे जवान भाई बहन जुड़े हुए हैं, मैं कहना चाहूंगा सबों से अवसर है, हमारे अभी के पहले वक्ता हमारे सर डॉक्टर जस्टिन मसीह बहुत अच्छा बतला रहे थे कि अवसर है, अवसर को बहुमूल्य समझना हमें, और इसलिए मैं कहना चाहूंगा वो बहन जो 18-19-20 साल की बहन है वो क्या करती है, अपने माता पिता से लड़ती है, झगड़ती है, यही शब्द कह के कि इट्स माई लाइफ इट्स माई चॉइस, मेरा जीवन है, मेरी इच्छा है, मुझे भी स्पेस चाहिए, मुझे भी जीने का हक है ना। और वो क्या करती है, अपने माता पिता के विरोध में जाकर वो घर से निकल जाती है, उसे गलत संगति आ जाता है, गलत संगति में रह के वो व्यभिचार करती है, व्यभिचार करने के बाद उसके साथ बहुत ही गलत होता है। अब उसे उस बहन को लगता है कि वो जो कर रही है वो सही कर रही है, वो जो कर रही है उसके द्वारा उसके सिर्फ उसी के लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। मैं कहना चाहूंगा ये पर्सनल लाइफ नहीं, हम लोग एक सोशल बीइंग है, हम लोग एक परिवार में रहते हैं, हम लोग एक समाज में रहते हैं, जब मेरा जीवन नाश हो रहा है मेरे कारण मेरे माता पिता के ऊपर भी उंगली उठ रहा है, आज इस बात को हमें समझना है। इट्स नॉट ओनली अबाउट माई लाइफ, इट्स ऑल अबाउट माई फैमिली लाइफ, इट्स ऑल अबाउट माई मदर माई फादर माई पेरेंट्स माई सोसाइटी, एवरीथिंग मैटर्स। और इसलिए आज हमें कुछ बातों को हमें सोचना है, और एक बहुत अहम बात कि इट्स नॉट अबाउट माई लाइफ, मैं कहना चाहूंगा इट्स गॉड्स लाइफ। हु एम आई टू डिसाइड दैट इट्स माई लाइफ, मैं कौन हूँ ये डिसाइड करने के लिए कि ये मेरा जीवन है। हम लोग यहीं पर गलत ट्रैक जा रहे हैं और हम लोग भटक रहे हैं ये कहते हुए कि ये मेरा जीवन है। मैं कहना चाहूंगा मसीह प्रियो कि ये परमेश्वर का जीवन है, परमेश्वर ने हमें दिया है, और जब परमेश्वर ने हमें दिया आज इस जीवन को हमें उस रूप से हमें जीने की आवश्यकता है। पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं ये परमेश्वर और एक आदम की ये दिखा रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि जब परमेश्वर आदम की सृष्टि किया, परमेश्वर अपने योजना के तहत अपने हिसाब से वो आदम को रचा कि आदम अपनी इच्छा को नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करे। आदम भी चाहता तो कह सकता था कि इट्स माई लाइफ, और जब वो होता है हम लोग जानते हैं वो पाप में गिर जाता है। अब परमेश्वर नहीं चाहता है कि आज मैं और आप आज हम पाप में गिरे, हम सिर्फ ये कह के आप अपने आप को संतुष्टि ना करें कि इट्स माई लाइफ। आज हमें समझना है कि इट्स गॉड्स लाइफ, परमेश्वर ने हमें रचा है, जैसे वचन आगे कहता है इफिसी 2:10 में वचन कहता है क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। जी हम विश्वासी भाई और बहनों कि आज हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे भी गए हैं। आज बहुत बड़ी बात कहा गया है कि यीशु मसीह या परमेश्वर आज हमारा कुम्हार है, वो हमें ऐसा ढांचा दिया है, वो हमें सुंदरता दिया है, वो हमें एक ऐसा फिजिकल लाइफ दिया है, वो हमें एक ऐसा सुंदर सोसाइटी दिया है, तो आज हम क्यों उसको हम व्यर्थ कर रहे हैं? आज हम अपने खूबसूरती हम अपने टैलेंट अपने वरदानों पर घमंड ना करें, क्योंकि जो है आज परमेश्वर का दिया हुआ है, और वो कहता है परमेश्वर के भले कामों के लिए सिरजे गए हम उससे बनाए गए हैं। आज हमें बहुत ही अच्छी रूप से इसे समझना है मसीह में प्रियो। आगे हम लोग एक दूसरा सवाल आता है कि आज हम क्यों भटक रहे हैं, है ना। बहुत ही बड़ा सवाल है कि आज हम क्यों भटक रहे हैं। आज हमने देखा कि हमें कौन भटका रहा है, हम क्या हम भटके हुए या फिर हमें कौन भटका रहा है, मगर आज तीसरी बात आज बड़ा सवाल हमारे सामने है कि हम क्यों भटक रहे हैं। आज हम क्यों भटक रहे हैं,
फिर से आज हम क्यों भटक रहे हैं, क्योंकि आज हमारा लाइफ में प्रार्थना नहीं है, लैक ऑफ प्रेयर इन लाइफ। आज प्रार्थना की कमी से आज हम भटक रहे हैं, जीवन में प्रार्थना की कमी है। आज हमारे जवान पीढ़ी, आज हमारे युवा भाई बहन, आज हम कितने आज हम देख रहे हैं कि आज हम प्रार्थना में जीवन को हम लोग व्यतीत कर रहे हैं। हम लोग एक धारा सुनेंगे जीवन में, वो लोग दुख में प्रार्थना का। कई बार आज हम भी जब संकट में रहते हैं और हमें बहुत तरह का सुविधा भी कभी कभी दिया जाता है, मगर आज हम प्रार्थना में जीवन को व्यतीत नहीं कर पाते हैं। और वहीं पर जब हम प्रार्थना में जीवन को नहीं व्यतीत करते, हम भटक जाते हैं। हम यूसुफ के जीवन को देखें, अगर वो प्रार्थना में जीवन को व्यतीत नहीं करता तो वो बेविचार में गिर जाता पोतीपर की पत्नी के साथ, मगर क्योंकि वो प्रार्थना में जीवन में लवलीन था, वो प्रार्थना में जीवन को व्यतीत करता था, और इसलिए वो उस परीक्षा में गिरने से वो बच जाता है, उस बेविचार जैसे पाप से में वो गिरने से बच जाता है और वो भटकने से बच जाता है और वो सही रास्ता को देता है। पहली बात आज हम देख सकते हैं कि लैक ऑफ प्रेयर इन लाइफ, बिकॉज लैक ऑफ प्रेयर इन लाइफ वी आर समहाउ वी आर मिसिंग द ट्रैक, हम लोग गलत रास्ते पर चल रहे हैं। और दूसरी आज हम लोग देख सकते हैं बहुत अहम बात कि वचन के साथ हम संगति नहीं कर पा रहे हैं, लैक ऑफ वर्ड ऑफ गॉड। आज हमारे जीवन में आज वचन की कमी है और इसलिए कई बार आज हमारे जवान पीढ़ी आज भटक रहे हैं, और इसलिए यिर्मयाह कहता है कि भटकने से बचो कहता है। हम लोग यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, जब शैतान उसको परीक्षा करता है, 40 दिन का परीक्षा होता है, वहां यीशु मसीह किस चीज का सहारा ले रहे हैं, वचन का सहारा ले रहे हैं। आज जब शैतान यीशु मसीह का परीक्षा करते हुए कहता है कि तू इतना दिन से जब भूखा है, इस पत्थर को कहा, इस चट्टान को कहा कि यह रोटी बन जाए, लेकिन वचन के माध्यम से वचन का सहारा लेते हुए यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि हर एक ईश्वर का मुख से निकला हुआ वचन से वो जीवित रह सकता है। और इसलिए वचन हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है, इसलिए हमारे जीवन में वचन का महत्व बहुत ही ज्यादा है। मसीह प्रियो, मैं कहना चाहूंगा हमारे हर एक भाई बहनों को जो इस समय सुन रहे हैं मुझे, वचन प्रार्थना आज इसका संगति करना बहुत ही जरूरी है। और आज इसलिए हम जब हम ये नहीं करते हैं, आज हम कहीं ना कहीं आज हम भटक रहे हैं। जैसा हमें वचन भी मिलता है, अगर हम देखते हैं भजन संहिता 119 उसका नाम है, वचन कहता है, बहुत ही सुंदर वचन कहता है कि जवान अपनी चाल को किस प्रकार से शुद्ध रखे, जवान अपनी चाल को किस प्रकार से शुद्ध रखे। आगे कहता है कि तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। क्या आज हम वचन का सहारा ले रहे हैं अपने लाइफ में? कितना ज्यादा आज हम वचन के साथ संगति कर रहे हैं? कितना समय आज हम वचन को दे रहे हैं? बहुत ही कम समय। और इसलिए आज हमें वचन को समय, वचन के साथ संगति करना है, वचन को समय देना है। तीसरी अहम बात, आज हमें कौन भटका रहा है, आज वह है कि लैक ऑफ रेस्पेक्ट टू अदर्स। जी हाँ प्रियो, कहीं ना कहीं आज हम दूसरों का आदर का आज कमी महसूस हो रहा है। मुझे ऐसा पर्सनली फील हो रहा है, मैं कई तरह के कई जगहों में जब मैं जाता हूँ और जब जवानों से विशेषकर देखता हूँ, उनके जीवन को पर्सनली एक मूल्यांकन करने का कोशिश करता हूँ, तो वो इगोइस्टिक लाइफ जो मैंने कहा कि अहम वाली बात कि मैं माइसेल्फ मेरा जिंदगी इज माई लाइफ, आज कहीं ना कहीं उसके कारण वो भटक रहे हैं और वो दूसरों की आदर नहीं कर पा रहे हैं। हम पिक्चर में देख सक रहे हैं कि कोई है जो कि वो दूसरों को दबाते हुए जा रहा है, आज हम भी वही कर रहे हैं। हमारे माता पिता हमें कुछ कह रहे हैं, किसी दिशा में हमें जाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन हम कुछ और दिशा में जा रहे हैं, भटक रहे हैं हम। हमारे माता पिता अगर हमें कुछ अच्छी बातों को कह रहे हैं हमारे ही भविष्य के लिए, हमारी अच्छाई के लिए, अगर आज हम उसे समझना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, हमें लगता है कि जो माता पिता हमें इस जगत में लाया है, आज वही माता पिता हमारे लिए गलत सोचते हैं। आज कहीं ना कहीं प्रियो आज हम भटक रहे हैं, और आज हमें दूसरों का आदर करने का आज बहुत ही ज्यादा हमें जरूरत है। दूसरों का हमें बात सुनना है, हम लोग दूसरों के अधीन में नहीं रहना चाह रहे हैं आज हम लोग। हम लोगों को लगता है कि अगर हम लोग दूसरों के अधीन में रहे तो हमारा जो फ्रीडम मिला है, हमें जो लाइफ मिला है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। मैं कहना चाहूंगा कि इट्स नॉट अबाउट माय लाइफ, इट्स गॉड्स लाइफ। आज हम परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं,
परमेश्वर क्या हमारे जीवन को वो देख रहा है, क्या वो हमारे जीवन को ऐसे जीवन को ग्रहण कर पा रहा है। इसलिए आज हमें वचन के अधीन में रहना, परमेश्वर के आज्ञाओं के अधीन में रहना, अपने माता पिताओं को क्या आदर करना है, दूसरों का सम्मान करना है और एक आशीष जीवन आदर्श जीवन को व्यतीत करना है। अगला बात है कि आज हम क्यों भटक रहे हैं, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गॉडली लव। प्रेम की परिभाषा को हम लोग बदल चुके हैं। जी हाँ प्रियो, मैं जवानों से कहना चाहूंगा, हम लोग प्रेम की भाषा को आज हम लोग नहीं जान रहे हैं। आज हम संसारिक प्रेम में ज्यादा हम लोग समय व्यतीत कर रहे हैं, हम लोग ज्यादा अपने जीवन को वहां पर हम लोग समय दे रहे हैं, लेकिन आज हमारे जीवन में ईश्वरीय प्रेम की कमी है। आज किस प्रकार से आज हम लोग एक ईश्वर प्रेम को अपने जीवन में हम देख रहे हैं, क्या आज मेरे और आपके जीवन में आज हमें देखना है कि क्या ईश्वरीय प्रेम है। क्या हम जिसके साथ उठते हैं, जिसके साथ बैठते हैं, जिसके साथ हम बातचीत करते हैं, क्या वो ईश्वरीय प्रेम हमारे जीवन से छलक रहा है? क्या वो स्पष्ट दिखता है हमारे जीवन से? क्या मसीहत दिख रहा है हमारे जीवन से? कि वही बैर भाव, हिस्सा डा और छल कपट से हमारा जीवन भरा हुआ है? ये बहुत ही बड़ा सवाल है और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि ऐसा सुंदर टॉपिक के ऊपर परमेश्वर ने मुझे चुना और आयुवचन के माध्यम से मुझे कुछ बोलने का मौका मिल रहा है वचन के माध्यम से। और इसलिए आज हमें भटकने से बचना है मसीह प्रियो, आज हमें ईश्वरीय प्रेम में आज हमें आगे आना है। और एक बहुत जरूरी आज फैक्टर जो हम लोग मिस कर रहे हैं और जिसके कारण से आज हम भटक रहे हैं, वह है फियर ऑफ गॉड। आज हम लोग परमेश्वर का भय हमारे जीवन में नहीं है। आज हम परमेश्वर के भय से आज हम कंप्लीटली अननोन है। हमें लग रहा है कि आज मैं जैसा लाइफ को स्पेंड कर रहा हूं या कर रही हूं, आज उसी से मुझे बहुत उधार मिलेगा और उसी में मैं खुश हूं। आज सेटिस्फेक्शन, वही मैं सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि भरा जीवन का मैं बात कर रहा था कि मैं किससे खुश हूं। हमें लगता है कि रातों रात भर जागना और गलत संगति और यू नो फ्रेंड सर्कल और अपने माता पिता के विरोध में जाना, आज वही लाइफ है। परमेश्वर क्या, ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि विशेष बात है कि आज हमें परमेश्वर का डर नहीं है। मैं फिर से स्मरण दिलाना चाहूंगा उस वचन को जो बहुत ही सुंदर सुलेमान राजा लिखता है, सभोपदेशक नौ उसका 10 और 11 में, हम लोग सभी को ही जानते हैं, कहता है आज ये जवान अपनी में आनंद कर, मगन रह, अपनी आंखों के अनुसार चल, कहता है। बहुत सारे अच्छे बातों को कहता है। जब भी मैं उस वचन को पढ़ता हूँ, फर्स्ट पार्ट को पढ़ता हूँ, मुझे बहुत ही आनंद महसूस होता है। मैं बहुत ही संतुष्टि फील करता हूँ कि वचन आज मुझे अपने आंखों के अभिलाषा के अनुसार चलने कह रहा है। वचन मुझे मनमानी कर कह रहा है, लेकिन याद रख, कहता है वचन आगे, कि न्याय के दिन में इन हर एक बातों के लिए तेरा न्याय होगा। और उसी बात को आज हम मिस कर रहे हैं, वहीं पर आज हम भटक रहे हैं मसीह प्रियो, कि आज हम उस सेकंड पार्ट को हम अपने जीवन में ग्रहण नहीं करना चाहते हैं। वी आर हैप्पी विद द फर्स्ट पार्ट की आनंद कर मगन रह, वी आर हैप्पी, लेकिन आज हम लोगों को सेकंड पार्ट को हम लोग ध्यान देना है कि हमारा जब न्याय होगा हम कहाँ रहेंगे, जब हमारा न्याय होगा क्या हम परमेश्वर को जवाब दे सकेंगे। क्योंकि आज परमेश्वर ने हमें ऐसा अवस्था दिया है, परमेश्वर ने हमें ऐसा सुंदर वरदानों को दिया है, आशीषों से हमें भर दिया है, और इसलिए इस अवसर को ना गंवाए और परमेश्वर का भय माने मसीह प्रियो, नहीं तो आज हमारा जीवन उस नर्क में डाला जाएगा और उस समय हमें बचाने वाला या फिर अवसर हमें नहीं मिलेगा। आगे सुलेमान उसे 12:1 में कहता है कि हे जवानों, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। समय है हमें कि आज हम अपने सृजनहार को स्मरण रखें। और क्योंकि आज हमारे लिए मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि ये सारी बातें हैं जिसके कारण आज हम भटक रहे हैं, लेकिन मेरे पास कुछ और भी बातें हैं जो कि मैं एक कहना चाहूंगा कि ये आप सबों के लिए आज की सुबह मैं एक गुड न्यूज को लेकर आया हूँ, एक शुभ संदेश आप लोगों के लिए है। और वो शुभ संदेश क्या है, जैसे वचन आगे कहता है कि परमेश्वर हमारा भटकना सुधार देंगे। जी हाँ प्रियो, जैसा यशायाह में ही कहता है, सॉरी यिर्मयाह 3:22 में अगर हम सेकंड पार्ट में देखते हैं, जैसा वचन कहता है कि हे भटकने वाले लड़कों लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। ये परमेश्वर का एक इच्छा है, परमेश्वर का आज योजना है कि परमेश्वर आज हमारा भटकना सुधार देंगे। और वही आज की सुबह और इस बाइबल क्लास में मैं आप सबों को इनकरेज करना चाहूंगा, प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि आज वो परमेश्वर सुधरने का एक मौका दे रहा है। वही परमेश्वर आज चाह रहा है कि मेरे बेटे बेटी मेरे प्रिय आज भटकने से बचे, क्योंकि आज परमेश्वर हमारा जीवन को फिर से रिफ्रेश करना चाहता है, फिर से नया करना चाहता है। बहुत बड़ा सवाल, कैसे? मैं कहना चाहूंगा मन है, मन फिराने से।
आइए एक मोमेंट ले, एक समय ले कुछ देर का, और अपने जीवन को हम इवैल्यूएट करें और अपने पापों से हम लोग फिरे, मन को फिराए, क्योंकि आज जब हम मन फिराते हैं आज परमेश्वर हमें बहुत आय का आशीष देता है। जैसे वचन कहता है प्रेरितों के काम 3:19 में कहता है कि इसलिए मन फिराओ और लौट आओ, कहता है वापस आ जाओ, यू टर्न की बात हो रही थी, फिर से हमें वापस आना है मन फिराकर, क्योंकि तुम्हारे पाप मिटाए जाए जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। बहुत ही अच्छा शब्द है विश्रांति, रिफ्रेशमेंट के दिन आए, रिफ्रेशमेंट हमारे जीवन में एक नयापन को हम देख पाए, फिर से हम वो आनंद प्रभु की आशीष को हम अनुभव कर पाए, और प्रभु वो देना चाहता है हमें, बहुत आयत का आशीष को देना चाहता है, बहुत आयत का जीवन को देना चाहता है, मगर वो तब पॉसिबल है जब मसीह प्रियो आज हम भटकने से बचे, जब हम मन फिराकर हम वापस आए। और अंतिम मैं अंतिम करना चाहूंगा इस वचन को लेकर कि आज हम अपने चाल चलन को भी परखने की आवश्यकता है, हम अपने चाल चलन को परखे। वचन आगे कहता है कि हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखे और यहोवा की ओर फिरे, जो कि बिलाप गीत 3:40 में कहता है हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखे। We cannot take our life as a granted, just हम लोग ऐसा नहीं ले सकते हैं नाम केवल कि ये हमारा लाइफ है, कुछ ही दिनों का लाइफ है, ऐसा मौज करना फिर तो खत्म ही हो जाएगा, नहीं प्रियो परखना है, ध्यान से हमारे जीवन को, हमारे एक्टिविटीज को परखना है, सुबह से लेकर शाम तक के हर एक एक्टिविटीज को परखना है, हम किसके साथ उठ रहे, किसके साथ बैठ रहे, कैसा संगति कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हर एक चीज को हमें परखना, इवैल्यूएट करना है, और इसलिए जब हम वो करते हैं आज परमेश्वर हमारा भटकना सुधार देंगे कहता है। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आज हम लोग यीशु मसीह को आज है, जैसा यीशु मसीह आज अपने वचनों में कहते हैं कि मार्ग सत्य जीवन है, मैं पहले कहा एक जो भटकने का परिभाषा कि सही से गलत की ओर जाना, मिसिंग द राइट ट्रैक, आज हमें एक पाथ दिया गया, आज हमें एक रास्ता दिया गया, यीशु मसीह खुद वो कहते हैं कि मार्ग सत्य जीवन में हूँ, मार्ग मैं हूँ कहता है, अगर यीशु मसीह के पीछे हम चल रहे हैं, यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं, तो कभी भी मसीह प्रियो मैं और आप उस गलत उस सही ट्रैक से हम लोग कभी नहीं भटकेंगे, और हम लोग सही ट्रैक में जाकर एक आशीषित जीवन को हम लोग व्यतीत कर सकते हैं। और आज के इस समय में प्रभु हम सबों को बहुत आयत का आशीष देना चाहता है, एक ऐसा अवसर को दिया है कि हम मन फिराते हुए जब प्रभु के पास आते हैं आज हम भटकने से बचते हैं, परमेश्वर हमारा भटकना सुधार देते हैं, और प्रभु ढेर सारी आशीषों में हमें अपने जीवन में हमें देता है। कहने के लिए बहुत कुछ है मसीह प्रभु, बहुत ज्यादा है, ऐसे बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे बातें हैं, कार्य है जो हमें अफेक्ट करता है, भटक हमें आत्मिक जीवन से भटका रहा है, मगर ये कुछ विशेष बातों को जब मैं लेकर आता हूँ हम लोग ध्यान दें, कुछ थोड़ा समय हम लोग इसमें विचार करें, और जरूर से प्रभु हमें सुधरने में हमारी अगुवाई करेगा, हमें आशीषित जीवन देगा, और फिर से हमें अपने जीवन को एक रिफ्रेश कर सकते हैं, एनलाइटन कर सकते हैं, और हम अपने जीवन में आत्मिक रूप से हम और ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो प्रभु इस शिक्षा छोटी शिक्षा में हम सबों को बहुतायत का आशीष दे, और प्रभु आप सबों को एक नया जीवन दे कि आज हम लोग प्रभु के संगति में होकर के आज हम लोग प्रभु की महिमा करने पाए। वही सब मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा, और हम लोग सभी कोई अपने आंखों को बंद करें और सरों को झुकाए, जितने कोई हम लोग इस ऑनलाइन सर्विस से हैं, हम लोग चाहेंगे कि हम थोड़े समय को हम लोग परमेश्वर जवानों के जीवन में ऐसा अवसर को दिया कि हम ऑनलाइन के माध्यम से हम जुड़े, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रहा हमारे जीवन में, कहीं ना कहीं हम भटक रहे हैं मसीह प्रभु। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें भटकने से हमें बचाए, परमेश्वर हमें सुधरने का एक ऐसा सुंदर मौका दिया है, इस मौका को ना गवाएं। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और परमेश्वर से हम दुआ करें। महान परमेश्वर हम लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं तेरे ऐसा सुंदर दया के लिए, तेरे ऐसा सुंदर आशीषों के लिए प्रभु जी। सच में तू आज हमसे प्रेम करता है, तू नहीं चाहता पिता कि आज हम ऐसे ही भटके रहे और पाप में जीवन को व्यतीत करें। प्रभु तू चाहता है कि आज हम तेरे क्रूस के निकट में आकर अपने पापों से मन फिरा, एक पश्चातापी मन देता है प्रभु जी कि हम अपने पापों से पछताते हुए तेरी ओर आए, क्योंकि तू आज दया का सागर होकर हमारे जीवन में तू दया करता है प्रभु, अनुग्रह से भर देता है और हमारे हर एक पापों को तू क्षमा करता है।
इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी हर एक उन जवानों के लिए जो इस ऑनलाइन सर्विस से जुड़े हुए हैं, तेरे वचन को सुन रहे हैं, तेरे नजदीक आए हैं प्रभु जी नम्र होकर दीनों पर। हाँ प्रभु तू उनके आंसुओं को तो देख रहा है जब वो प्रतिज्ञा कर रहे हैं प्रभु की जो मन अपने पापों से फिर कर पिता एक आत्मिक जीवन बढ़ना चाहते हैं, एक सच्चाई को वो तलाश रहे हैं प्रभु जी, तू उनकी सहायता कर, तेरे सामर्थ्य से तू हर एक को भर दे, पवित्र आत्मा की सहायता से तू उनको अगुवाई कर कि सच में तेरे वचन के अनुसार वो अपने जीवन को व्यतीत करे हाँ प्रभु जी, और तेरे उस सही रास्ता को पहचानने पाए। जबकि तेरा प्रिय पुत्र यीशु मसीह जगत में आता है एक रास्ता बनकर एक मार्ग होकर पिता हम उसके पीछे चलते हैं, और हम उस जब उस रास्ते के पीछे चलते उस मार्ग के पीछे चलते हैं हम एक सच्चाई को जानते हैं और एक अनंत जीवन में हम प्रवेश कर पाते हैं। धन्यवाद देते महान परमेश्वर तो हर एक प्रार्थनाओं को सुनता है, धन्यवाद देते हम हर एक पापों को क्षमा करने के लिए महान परमेश्वर। इस वचन के माध्यम से इस क्लास के माध्यम से तो हर एक भाई बहनों को बहुतायत का आशीष दे। प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और स्वर्ग की राजमुक्ति ऐसे ग्रहण कीजिए, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डायसिस युवा संघ के अधिकारियों को, परमेश्वर पिता को कैसे सुंदर अवसर दिया उन्होंने, और ऐसा अवसर को हम लोग बहुमूल्य समझते हुए हम लोग इस ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ पाए। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज सच में जो थोड़ी बातों को वचन के माध्यम से मैंने रखा वो आज हमारे के जीवन में एक आशीष कारण होने पाए, और हम आने वाले जीवन में हम भटकने से बचे और परमेश्वर की ओर ध्यान लगाए। आप सबको पुनः धन्यवाद और मेरी ओर से यीशु सहाय। आज के हमारे वक्ता रेवरेंड अमर नवीन टोपो जी को पूरे कलिसिया युवा संघ होकर हम सहृदय धन्यवाद देते हैं। सचमुच उन्होंने एक युवा का जीवन को एक किताब के रूप में, खुली किताब के रूप में हमारे बीच में रखे हैं, और वास्तव में हमारे युवा कहाँ भटक रहे हैं, किस कारण से भटक रहे हैं, और कैसे हम इस भटकाव से बच सकते हैं, और इस भटकाव से बचने के कारण हमारा परिवार आनंदित होने पाएगा, सभी बातों को हमारे बीच में रखे हैं जीवंत रूप में। हम इसलिए पूरे कलिसिया होकर और हर एक माता पिता और भाई बहनों की ओर से हम आपको सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं, और सचमुच आज के इस वचन के द्वारा हम आशा विश्वास रखते हैं कि आज के बाद हर एक युवा एक बदलाव का जीवन जीने पाएगा। पुनः हम आपको सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं। पुनः युवा संघ होकर हम हमारे आज के वक्ता रेवरेंड अमर नवीन टोपो जी को धन्यवाद देते हैं, और आशा विश्वास करते हैं कि इसी तरह अपने आशीषों आशीष वचनों के द्वारा हमारे युवा संघ को साथ देते रहेंगे। पुनः धन्यवाद। अभी समय है हमारे बीच आदर्श भजन का, और हमारे बीच में अभी आ रहे हैं कोचेडेगा पेरिस आदर्श भजन लेकर। कोचेडेगा पेरिस आदर्श भजन लेकर हम कलिसिया युवा संघ होकर हम उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। कोचेडेगा पेरिस। कोचेडेगा पेरिस से जो भाई हैं बहन हैं वो लोग अपना हाथ उठाएंगे, हैंड रेज करेंगे ताकि उनको अनम्यूट किया जा सके। हाँ चलिए आ गए, धन्यवाद। हेलो
चलिए सब कुछ तुम भूल जाना, सब कुछ तुम छोड़ देना रे हे मानवा, तू कर प्यार में मस्ती कर प्यार में, देने के लिए आप सबों को धन्यवाद। जी, हमारे कोचेडेगा पेरिस को उनके सुंदर आदर्श भजन को कि सचमुच एक युवा होकर परमेश्वर को कभी मत भूलना, ऐसा संदेश लेकर हमारे बीच में आए
और बहुत ही सुंदर प्रस्तुति के लिए हम पूरे कलिसिया युवा संघ होकर कोचेडेगा पेरिस को धन्यवाद देते हैं और शुभकामनाएं आने वाले समय के लिए और सुंदर जीवन के लिए परमेश्वर से आशीषों के लिए प्रार्थना करते हैं। पुनः कलिसिया युवा संघ द्वारा हम कोचेडेगा पेरिस को सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। और हम आज ऑनलाइन युवा संघ बाइबल क्लास के दूसरे दिन के अंतिम चरण में हैं। हम लोगों के पास वचनों के द्वारा हमारे प्रवक्ताओं ने बहुत ही सुंदर हमारे बीच में अपने वचनों को दिया है कि हमारा जीवन, एक युवा का जीवन सचमुच आज के इस उपदेश वचन के द्वारा एक बदलाव का जीवन होने पाएगा, ऐसा आशा और विश्वास रखते हुए आज के इस ऑनलाइन बाइबल क्लास की समाप्ति की ओर जाते हैं। और कलिसिया युवा संघ होकर हम हमारे बीच में कैंडिडेट नीलेश मिंज को आमंत्रित करते हैं कि परमेश्वर के अनमोल वचन के द्वारा हमें इस ऑनलाइन हमारे बाइबल क्लास की समाप्ति करें। हम पुनः हमारे कैंडिडेट नीलेश मिंज को सादर आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद। मैं पादरी अमर नवीन टोपो, मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा विशेषकर कोचेडेगा पेरिस के बच्चों को सुंदर गीत के लिए। और मैं YouTube में भी देख रहा था, कई तरह के मैसेजेस आ रहे हैं और धन्यवाद देना चाहूँगा हर एक उन कॉम्प्लीमेंट्स का। मगर मैं इस समय विशेषकर विशेष धन्यवाद भाई विल्सन कुजूर को मैं देना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों ने जैसा देखा जो हम लोग एक नए तरीके से एक करने का प्रयास किया और उसके पीछे हार्टसर पेरिस के यूथ काफी भाई भाइयों का और विशेषकर भाई विल्सन कुजूर का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। तो उनको भी प्रभु बहुत आयत का आशीष देवे। और इसी तरह हम चाहेंगे कि हम एक संगति होकर के प्रभु के प्रिय बेटा बेटी होकर के हम लोग अच्छी रीति से हम लोग काम को करने पाए। पुनः आप सब उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह हम चाहेंगे कि हम एक संगति होकर के प्रभु के बेटा बेटी होकर के हम लोग अच्छी रीति से हम लोग काम को करने पाए। पुनः आप सब उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना के लिए प्रभु का वचन हमें अगुवाई करता है। रोमी 12 उसका 12 पद में, आशा में आनंदित रहो और क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में हमेशा लगे रहो। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हम जहां भी हैं अपने जगहों में हम हाथ जोड़ेंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे और इस सुंदर समय के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हे उद्धारकर्ता प्रेमी पिता परमेश्वर, देख पिता आज के सुंदर समय में, इस दिन के बेला में हम हर एक आपके बेटे और बेटियां इस ऑनलाइन बाइबल क्लास के माध्यम से हम जुड़ते हैं एक दूसरे से और आपके पास में आते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता इस सुंदर समय के लिए कि तूने हम हर एक युवा संघ के लोगों को, हर एक माता पिताओं को, हर एक छोटे बड़ों को दिया पिता कि हम इस समय में लॉकडाउन के कारण सभी अपने घरों में हैं, लेकिन पिता हम आपके वचनों को अपने घरों से ही आपके दासों के माध्यम से सुनने पाते हैं। हम महान खुदावंत विशेषकर प्रार्थना करते हैं कि सच में तूने हमारे कलिशिया युवा संघ के अधिकारियों को ऐसा
अगुवाई किया, उनके मनों में ऐसी इच्छाओं को, अपनी इच्छाओं को डाला कि वे ऑनलाइन बाइबल क्लास का आयोजन करने पाते हैं। और हम देखने पाते हैं कि आज जो कि ऑनलाइन बाइबल क्लास का दूसरा दिन आपके नाम में सफलतापूर्वक संपन्न होने पाता है। हाँ पिता परमेश्वर, आज हम हमारे पहले वक्ते डॉक्टर जस्टिन मसीह से हमने प्रभु के वचन से हमने सीखा, और उसके बाद हमारे रेवरेंड अमर टोपो के द्वारा हमने वचन सीखा। पिता होने देखिए, ये दोनों वचन काफी प्रेरणादायक वचन थी और सभी हम लोगों ने सुना पिता, और वो आज हमारे हृदयों में बसने पाया है। हाँ पिता, हम सहायता चाहते हैं, तो हमारी मदद कर, हमारी अगुवाई कर कि हम जो वचनों को आज अपने कानों से सुन के अपने हृदय में बसाए हैं उसे हम अपने जीवन में लागू करने वाले होने पाए और हम एक सच्चे मसीही हम कहलाने वाले होने पाए। हाँ पिता, इसी घड़ी हम प्रार्थना करते हैं जितने भी भाई बहन आज जुड़े हुए हैं, उन हर एक लोगों को तू बहुतायत का आशीष दे पिता। और उसी के साथ ही हम प्रार्थना करते हैं कल के कार्यक्रम के लिए, और कल के लिए जो भी वक्तागण हमारे ठहराए गए पिता, उन्हें तू पवित्र आत्मा से अभिषिक्त कीजिए, सामर्थ्य दीजिए पिता कि वे भी आत्मा की अगुवाई में होकर कल हम हर एक लोगों को आपका वचन बांटने पाएंगे और हम कल भी वचन को सीखने पाएंगे और अपने आत्मिक जीवन के हम बेहतर नतीजे में हम पहुंचने पाएंगे। महान खुदावन, अब तक हमसे जो भी दोष गुनाह अपराधे हुई है पिता, उन हर एक पास उतना अपराधों को क्षमा कर, और यही धन्यवाद की प्रार्थना और पूरे दिन भर का जीवन आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर ले, आमीन। हमारे कंडीदात नीलेश मिंज को हम सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं सुंदर प्रार्थना की अगुवाई के लिए कि उन्होंने प्रभु के वचन के द्वारा आज के इस बाइबल क्लास को अंत किए हैं। हम धन्यवाद देते हैं पूरे कलिसिया युवा संघ होकर आपके अगुवाई के लिए, हम पुनः धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि आगे भी आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे। धन्यवाद। और हम अंत की ओर है, आज का यह दिन प्रभु ने दिया है, बहुत ही आनंद और बहुत ही आशीष का दिन रहा है हमारे लिए, और वचनों के द्वारा हमारे जीवन में सचमुच यह दिन एक नयापन लेकर आए, एक बदलाव का जीवन, एक आशीष और अनुग्रह का जीवन लाए, ऐसा आशा और विश्वास के साथ आज के इस ऑनलाइन बाइबल क्लास को यही हम समाप्त करते हैं। और मैं आगे के सूचना और कार्रवाई के लिए हमारे कलिसिया युवा संघ सचिव सर को सौंपती हूं कि वे आगे का संचालन करें। आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद एवं 1 2 3 यीशु सहाय। धन्यवाद वाइस प्रेसिडेंट को कि पुनः हमें देने के लिए। और मैं कलिसिया युवा संघ सचिव होकर के पूरे हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने बड़े धैर्य के साथ समय को अगर हम देखें तो हम लोग 20 मिनट अधिक चले गए हैं, क्योंकि हमारा जो शेड्यूल है 10 से 12, लेकिन आप लोगों ने बड़े धैर्य के साथ प्रभु के वचनों को सुना है और सीखा है, और यकीन मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा भी होगा और उसे अपने जीवन में लागू भी करेंगे। तो आज हम लोग का कार्यक्रम यहाँ पे समाप्त होता है, और मैं बताना चाहूंगा कि कल भी हम लोग इसी समय 10 बजे जुड़ेंगे, और कल के जो हमारे वक्ता है रेवरेंड सलीमा कुजूर, जिनका विषय है संसार से समझौता नहीं, दानियल 1:1-8, इस पर हमारे साथ वो जुड़ेंगी। तो मैं चाहूंगा कि आप जितने लोग नहीं भी जुड़ पाए हैं, आप अपने अगल बगल, अपने मंडली में, अपने पेरिस में इसे जितना से ज्यादा हो सके इसे प्रचार करें, और हमें हमारे साथ जुड़ने के लिए आप जुड़ सकते हैं YouTube लाइव के माध्यम से भी और Zoom ऐप्स के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। इस तरह से हमारा जो कार्यक्रम है ऐसा चलता रहेगा, और आने वाला जो रविवार है 7 तारीख को वो युवा दिवस है, तो उस दिन कलिसिया युवा संघ की ओर से ऑनलाइन चर्च सर्विस किया जाएगा, तो आप इसी ऐप्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं और सुबह 8 बजे से आप चर्च आराधना में आप शामिल हो सकते हैं। तो मैं एक बार पुनः आप हरेक को फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने इतने धैर्य के साथ प्रभु के वचन को सुना है, प्रभु के दासों के माध्यम से सुना है।
मैं उन दोनों वक्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जो आप लोगों ने अपने बहुमूल्य समय को हमारे बीच में साझा किया है। आप दोनों डॉक्टर जस्टिन मसीह और रेवरेंड अमर नवीन टोप्पो और पूरे कलिशय युवा संघ की ओर से आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारे साथ अपने बहुमूल्य समय को दिया है और प्रभु के वचन को हम सबों के साथ बांटा है, प्रभु के वचन से हम सबों को तृप्त किया है। पुनः आप सबों को कलिशय युवा संघ के नाम बहुत सारे धन्यवाद। तो इन्हीं सब के साथ अब हम लोग विदा चाहेंगे। हम लोग कल मिलेंगे फिर सुबह 10 बजे। हाँ, एक बार सचिव महोदय, मैं डेसी सेवा संघ अध्यक्ष, बस एक सूचना जो छूट गया था उसकी ओर मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोगों के पोस्टर में दिखने पाएगा, 2-3 जो सूचना है युवा दिवस को लेकर के, 9 जून को लेकर के जो हमारा 170वां कलीसिया स्थापना दिवस ऑनलाइन समारोह 2020 9 जून 2020 सुबह 9 बजे से ये हमारा फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल में किया जाएगा और पोस्टर आप लोग इसमें अभी देख पाएंगे और आप लोगों तक पहुंच भी जाएगा। और इसी के साथ मैं आप लोगों को ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा हमारा जो 7 जून के विषय में, जैसा अभी आपने कहा 7 जून युवा दिवस सुबह 8 बजे से हम लोग इन्हीं दोनों ऐप में, हमारा जो जूम ऐप है और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसमें हम लोग इसी तरह से लाइव हम लोग उसमें जुड़ेंगे और युवा दिवस का जो रविवार आराधना उस आशीष को हम लोग पाने पाएंगे। उसी के बाद उसी दिन 7 तारीख को ही ऑनलाइन संडे स्कूल भी होने पाएगा। संडे स्कूल 10 बजे से सुबह हमारा जो युवा दिवस गिरजा आराधना के पश्चात होगा, इस बारे में मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ। इसी के साथ जैसा आपने कहा, रेवरेंड सलीमा कुजूर हमारे साथ कल जुड़ेंगी प्रातः 10 बजे, उनका अभी 1 घंटा क्लास है, उसके बाद 1 घंटा हमारे पास और भी है जिसके लिए हम लोगों के पास हमारे आदर्श भजन के गीतों को लेकर के बहुत सारे पेरिस हैं जिन्होंने नाम दिया है पूर्व में, उनके साथ हम लोग आदर्श भजन करने के द्वारा प्रभु को महिमा देंगे। और भी अगर अन्य कार्यक्रम है तो वो भी हम लोग करने पाएंगे और हमारा कल 2 घंटे का कार्यक्रम फिर से कंटिन्यू रहेगा। और साथ ही मैं आप लोगों को से कहना चाहूँगा, हमारे जितने भी ऑनलाइन जुड़े हमारे माता पिता भाई बहन जितने छोटे बच्चे आदि जुड़े हैं, कल संभवतः हो सकता है हमारा बाइबल क्लास जो है उसके लिए हम लोग एक दान भी इकट्ठा करेंगे। लॉकडाउन के समय में हम लोग एकजुट एक संगति नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन संभवतः ये हो सकता है अनाउंस हो जाए, इसलिए मैं आप लोगों का ध्यान आकृष्ट कराना चाह रहा हूँ क्योंकि हम लोगों के पास हमारे विभिन्न अगुओं का और हमारे सहमति एक साथ बन रही है कि हमारा दान भी होना चाहिए क्योंकि प्रभु को भेंट देना हमारे लिए बहुत ही, हमारे कलीसिया के उत्थान के लिए बहुत ही आवश्यक जान पड़ रहा है और जान पड़ता है। तो हमारा कल संभवता हो सकता है कि हम एक दान भी लें, अपने जहाँ जहाँ हम लोग जुड़े हैं वहीं पर हम लोग जुड़ करके फिर अपने अधिकारियों के द्वारा हम लोग हमारे दान को हम लोग यहाँ तक पहुँचाएंगे। और युवा दिवस के दिन भी हमारा युवा दिवस लिफाफा दान, जो इस बार हमारा लॉकडाउन के कारण हम लोग लिफाफा बांट नहीं पाए, लेकिन आप लोग संभवतः इस और भी आप लोग अपनी जागरूकता उत्सुकता दिखाएंगे क्योंकि हमारा इन दान का होना बहुत ही आवश्यक है। और अपने जो भी स्रोत है माध्यम है हमारे अधिकारियों के द्वारा, उसको अपने परिवार में जब हम लेते हैं युवा लिफाफा दान जमा करते हैं उसको अवश्य रूप से आप लोग पहुंचाएंगे। जी यही कुछ एक सूचनाएं हैं, मैं इन्हीं और आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाह रहा था। इन्हीं सूचनाओं के पश्चात मैं फिर से आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और फिर से मैं एक बार आप लोगों को बताना चाहूंगा, हमारे YouTube में भी काफी सारे लोग हमारे भाई बहन जुड़े थे और आज हम लोग जूम ऐप में हम लोग का 100 जो था उसको हम लोगों ने 500 कर दिया है। तो आप लोग अधिक से अधिक जूम में ही जुड़ने का प्रयास कीजिए, वो भी खुला रहेगा उसमें भी लोग जुड़ेंगे, लेकिन आप लोग अधिक से अधिक प्रयास करें कि जूम ऐप में भी आप सभी जुड़ें और अधिक से अधिक संख्या में, जो 100 का बॉन्डिंग था, जो हम लोग 100 से अधिक नहीं जुड़ पा रहे थे जूम में, उसको आज से हम लोगों ने और भी अधिक संख्या में कर दिया है, 500 कर दिया है। अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें और प्रभु के वचनों का, प्रभु की संगति का आप लोग आत्मिक लाभ उठा सकते हैं।
प्रभु को सारी बातों में महिमा मिलने पाए। और फिर से मैं हमारे अधिकारियों को, सारे वक्ताओं का, आज पूरे इस कार्यक्रम को, सारी बातों को के लिए मैं धन्यवाद देता हूं और प्रभु को सारा आदर महिमा मिलने पाए। इन्हीं सारी बातों के साथ मैं अपनी ओर से जो बातें थे उन्हीं को समाप्त करता हूं। और आज के जो हमारा दूसरा दिन ऑनलाइन बाइबल क्लास का था उसको हम मैं युवा संघ अध्यक्ष होकर यहीं पर समाप्त करने की घोषणा करता हूँ। आप लोग के पास 2-3 मिनट समय रहेगा, उसके बाद हम लोग इसको बंद कर देंगे और कल फिर से हम लोग 10 बजे प्रातः हम लोग यहाँ पे जुड़ने पाएंगे। सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे डायसिस युवा संघ की ओर से आप सबों को एक ही बार में यीशु सहाय, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग अगर चाहते हैं तो एक दूसरे से बात कर सकते हैं। जी की तरफ से रहता ही वाला।